आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक शर्मा, दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी, आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस 22nd वेबिनार में। इस लॉकडाउन में जब हमने कुछ पढ़ाई के बारे में सोचा तो वेबिनार एक ऐसा तरीका मिला मुझे जिससे मैं डिफरेंट डिफरेंट स्पीकर्स के साथ अटैच में रहा और डिफरेंट डिफरेंट टाइम काइंड की बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिली। हमारे पास बहुत सारी अच्छे अच्छे अप्रोच आए, कुछ लोगों की कंप्लेंट्स भी आई कि डॉक्टर साहब हमें वाला लेक्चर अच्छा नहीं लगा, आप इस पर अच्छा करिए, आप उस पर अच्छा करिए, ऐसे बहुत सारे सजेशन आए। लेकिन मैं आप सब लोगों को बता दूं कि मैं चाहता हूं कि आप हर एक सब्जेक्ट के टच में रहें, क्योंकि हम पूरी BHMS, पूरी MD या पूरे अपने PhD के दौरान किसी भी सब्जेक्ट को छोड़े बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। और शायद ये हमारे प्रैक्टिस की सबसे खास बात रहती है कि हमारे पास आने वाला मरीज माइग्रेन का होगा, हमारे पास आने वाला मरीज पाइल्स का होगा, हेयर फॉल का होगा, ये पता नहीं होता। इसलिए हमें हर चीज़ की नॉलेज हर समय होनी चाहिए, हमें रिसर्च की भी होनी चाहिए, हमें क्लिनिकल की भी, हमें ऑर्गेनन की भी, हमें लेबोरेटरी की भी। तो मैंने कोशिश की है कि आपको सब ऐसे लेक्चरर से मिलाऊं ताकि आप सब कुछ ना कुछ सीख पाए। तो दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के वेबिनार में आज जो लोग नए हैं, मैं उन लोगों को बता दूँ कि दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन 1932 में डॉक्टर युधवीर सिंह सर द्वारा बनाई गई थी। इन्होंने दिल्ली में नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और बहुत सारी दिल्ली में होम्योपैथिक डिस्पेंसरी भी बनाई। 1932 से लगातार DHA में CME, सेमिनार, कैंप और होम्योपैथी के लिए और बहुत सारे काम करती आई है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और हमारे पैटर्न डॉक्टर VP सिंह सर ने मुझे ये काम सौंपा है। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ पूरी दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन का। और आज मैं आपको जो इस स्पीकर को लेकर के आया हूँ वो है मेरे जूनियर हैं कहने के लिए, लेकिन मैं इनको अपना सीनियर ही मानता हूँ, डॉक्टर आशीष गोयल। इनका लेक्चर पहले भी हो चुका है और पूरे 22 वेबिनार्स में से अभी तक का सबसे मोस्ट पॉपुलर वेबिनार जो है वो डॉक्टर आशीष गोयल का रहा। जो इनका लास्ट वेबिनार था, जो लास्ट लेक्चर था, उसमें भी लगभग अभी तक मोर देन 30,000 व्यूअर्स हैं। सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट हैं ऑलरेडी मेरे पास, कम से कम 4 एसोसिएशन की रिक्वेस्ट हैं कि डॉक्टर आशीष का लेक्चर हम कराना चाहते हैं। और भी बहुत सारे गुण देखे डॉक्टर आशीष में, कई स्टूडेंट्स ने भी मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आप उनको दोबारा लेकर के आइए। तो मैंने डॉक्टर आशीष सर से आज फिर रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा सर आज फिर एक टॉपिक रखो और ऐसा टॉपिक रखते हैं जो बहुत कॉमन है। मैं आपको बता दूं कि जब मैं अपनी BHMS कर रहा था तो मेरे एक सीनियर थे, तो मैं बहुत स्पेसिफिक थोड़ा पढ़ता था, तो मेरे एक सीनियर ने मुझसे कहा कि दीपक हमेशा एक बात ध्यान रखना कि खांसी, जुकाम, बुखार और दस्त, ये 4 चीज जो कंट्रोल कर लेगा बस वही अच्छा फिजिशियन होगा। तो मैं सोचता था, मैंने कहा सर नहीं, मैं कुछ सुपर स्पेशलिस्ट बनूंगा और मैं कोई एक पर्टिकुलर डिजीज पे काम करूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, आप स्पेशली स्पेशलिस्ट बनना, सब कुछ करना, लेकिन ये 4 चीज अगर ठीक नहीं कर पाए तो एक अच्छा फिजिशियन नहीं बन पाओगे, क्योंकि ये ऐसे एक्यूट्स हैं कि अगर आपने ये नहीं संभाला तो आप अच्छे फिजिशियंस या अच्छे एक्यूट्स के मास्टर नहीं हो पाओगे। जैसे मैं इंटर्नशिप में आया तो मुझे लगा कि मैंने कहा हाँ यार, जैसे मैंने केसेज देखने शुरू करे तो सबसे ज्यादा जो मुश्किल आई वो एक्यूट्स को हैंडल करने में आई, और वो भी उस मेथड से जहाँ सिंगल मेडिसिन या डॉक्टर हैनीमैन सर को फॉलो करना है, जल्दी से मेडिसिन निकालनी है, बहुत जल्दी से आपको देनी भी है, कैसे देनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। जब खांसी, जुकाम, बुखार और दस्त पे हम लोग बात कर रहे थे तो मैंने डॉक्टर आशीष से यही कहा कि आज कफ पे रखते हैं, क्योंकि आज जो सिनेरियो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, जो पैंडेमिक पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, उसके दो मेन सिम्टम हाई ग्रेड फीवर और कफ। आज अगर थोड़ी सी किसी को ऐसी भी खांसी आ रही है तो भी शायद उसके मन में ये फियर हो रहा है कि यार मैं तो गया, इतना डर इस खांसी को लेकर के कि मेरे पास ऐसे पेशेंट भी आए हैं पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर जिनको सोचने के कारण ही ऐसी ड्राई कफ प्रोड्यूस हो गई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको GIT की वजह से ड्राई कफ हो गई, लेकिन उनके मन में जो डर है वो इतना बैठा हुआ है कि वो किसी को बताना भी नहीं चाहते कि मेरे को खांसी हो गई है, या डॉक्टर से भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप ना कहीं को बस किसी को बताना मत कि मेरे को खांसी हो गई है, नहीं तो मुझे लोग पकड़ के ले जाएंगे, मुझे कहाँ डालेंगे मुझे ये भी नहीं पता। तो खांसी एक ऐसी ऐसा सब्जेक्ट हो गया है जो आज के टाइम में सबसे प्रोमिनेंट है, और हम लोग जितना एक्यूटली होम्योपैथी से इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे दूं कि अभी थोड़े दिन पहले हमारे पास एक केस आया, उसको सेम ऐसी हाई ग्रेड फीवर ड्राई कफ के साथ आया। हमने सारी अप्रोचेस की,
और पाया कि नहीं ऐसा नहीं है, उनको जितना भी जो कफ हुआ है वो सिर्फ उनकी हाइपर एसिडिटी की वजह से आया है, और हमने छोटी सी मेडिसिन दी जिससे उसका जो बुखार है और खांसी दोनों ठीक हो गए, और वो डोज थी सिर्फ ब्रैनिया 30 और कुछ भी नहीं। हमने सिर्फ उसको समझा कि उसकी एनजाइटी को देखा कि वो फ्यूचर को लेकर के इतना एंजियस हो गया था कि उसने अपने अपनी फैमिलीज को अपनी सारी पॉलिसीज अपने सारे डाटा सब कुछ बता दिए कि भाई अगर मैं नहीं रहा तो ये सब ऐसे ऐसे यूज करना। तो इतना फियर इस समय देखने के लिए मिल रहा है सिर्फ एक जरा सी खांसी के लिए, क्योंकि ये जो सीजन है इंडिया में ये वैसे भी कॉमन फ्लू या सीजनल फ्लू का मौसम है, तो ये जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ कोरोना ही हो रहा हो, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे सीजनल फ्लू हैं जिसकी वजह से आपको बुखार हो रहा होगा या खांसी आ रही होगी या और कोई सिम्टम्स आ रहे होंगे। बहरहाल हम लोग COVID-19 पे अभी आज कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ ये सीखना चाहते हैं कि कफ का होम्योपैथी में कैसे अप्रोच कर सकते हैं। और डॉक्टर आशीष गोयल से अच्छा मुझे नहीं लगता कि कोई भी कफ के बारे में एक्सप्लेन कर पाएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आशीष सर आपका दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल शिविर में एक बार फिर से। डॉक्टर आशीष गोयल BHMS MD हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, इनका लखनऊ में अपना एक क्लिनिक है, और अभी रिसेंटली ये मेडिकल ऑफिसर के लिए अपॉइंटेड हो गए हैं यूपी गवर्नमेंट में। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ सर आपको, और हमारी थैंक पूरी दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप और आगे बढ़ो। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बस अपना पढ़ाना कभी भी नहीं छोड़ना है, जैसे आप पढ़ाते आए हो मुझे भी बाकी स्टूडेंट्स को भी ये कभी नहीं छोड़ना है। सो प्लीज़ डॉक्टर आशीष वेलकम, और मैं चाहता हूँ कि सब लोग आपको सुनने के लिए बेताब हैं। 130 से ज़्यादा 123 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं फेसबुक पे, ऑलरेडी हम लोग लाइव हैं, तो आपको सुनने के लिए तरह से, क्योंकि मुझे सुन सुन के तो वैसे भी काफी लोग बोर हो गए। थैंक वेलकम सर। यू डॉक्टर दीपक बोस, एंड थैंक्स फॉर योर वार्म वेलकम। और बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझको दोबारा से इनवाइट किया है और मुझे दोबारा से मौका मिला है इसमें आप लोगों के बीच में आके कफ के बारे में, जो आपने बोला कि कफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूं, तो उसके लिए मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आप लोगों के बीच में मैं कुछ दे पाऊं अपनी तरफ से। और यूजली जैसे अभी आपने बताया कि आजकल कफ एक COVID-19 का भी एक मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट सिम्टम है, कि पेशेंट सबसे पहले अगर खांसी आता है तो कई बार वो खांसते खांसते डरता भी है कि मैं खांसू नहीं खांसू, क्योंकि मे बी इट कुड बी अ कफ COVID-19। तो सबसे पहले है कि यहाँ पे हमको कफ के बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि एक्चुअली कफ क्या होता है और किस तरीके के कफ होते हैं, तो हम उसी से ही एक्यूट अप्रोच करेंगे। और यूजली जो एक्यूट केस टेकिंग होता है, कि अगर मैंने लास्ट वेबिनार में भी एक बार डिस्कस किया था कि सबसे पहले एक्यूट केस टेकिंग हमारा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि कई बार जो क्रोनिक पेशेंट्स होते हैं बीच में हमारे क्रोनिक ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो बीच में कोई ना कोई एक्यूट कंप्लेन लेके आते हैं, तब फिर हमारा वे ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए और क्या अप्रोच होना चाहिए जिससे कि पेशेंट का जो एक्यूट कंप्लेन है वो ठीक हो, फिर आगे जाके हम उसके फर्दर जो ट्रीटमेंट है उसको कंटिन्यू कर सकें। तो बीच में मैं आपको प्रोटेंसी और उन सब चीजों के बारे में बता दूंगा लास्ट में अगर जैसे होगा, तो फिलहाल मैं कफ के लिए आपसे डिस्कस करूंगा। तो और कफ बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एक्चुअली। कफ में क्या होता है कि खाली कफ लेके कभी पेशेंट्स नहीं आते हैं, कई बार पेशेंट्स कंप्लेन लेके आते हैं कि कफ से रिलेटेड अगर एसोसिएटिंग हम देखें कि सोर थ्रोट हो गया, कफ विद लैक्रिमेशन हो गया या कोराइजा हो गया, तो कफ विद कोराइजा, सोर थ्रोट, हेडेक, तो मोस्टली जो है ये जो सराउंडिंग बॉडी के जो भी जितने भी ये लैरिंग्स और ट्रैकिया के जो ऑर्गन्स होते हैं यहाँ पे जो कंप्लेन होती है इनकी एसोसिएटिंग होती है। तो अगर हमारा अप्रोच इसी के नियर बाई होगा तो हम जल्दी उस पेशेंट्स का केस टेकिंग के थ्रू मेडिसिन जल्दी जल्दी से हम उसको सेलेक्ट कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैं कफ के लिए ही बताऊंगा कि एज वी ऑल नो दैट कफ इज एन एक्सप्लोसिव एक्सप्रेशन दैट प्रोवाइड ए नॉर्मल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म फॉर क्लियरिंग द ट्रैकियोब्रैंकियल ट्री ऑफ द सीक्रेशन एंड फॉरेन मटेरियल्स व्हिच इज एसोसिएटेड विद कैरेक्टरिस्टिक साउंड। तो यूजली कफ क्यों आता है, तो आपको पता है कि कफ क्या होता है कि एक्सपिरेटरी मैकेनिज्म है, कि जो भी कुछ भी एक्सटर्नल एजेंट हमारे थ्रोट में आता है या कुछ भी एलर्जिक रिएक्शन होता है तो सडनली जो है एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है और कफ के थ्रू उसको चीज को निकालने की कोशिश किया जाता है। और उस समय पे जो भी होता है तो उसके साउंड्स वेरी करते हैं, और कफ के लिए ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि साउंड्स कैसे आ रहे हैं, क्योंकि साउंड्स के बेसिस पर ही हम डिजीज को भी डायग्नोज करते हैं और उसी के बेसिस पर ही जो हम अपनी मेडिसिन को भी सिलेक्ट करते हैं। और यूजली ये भी मैंने पहले बताया कि कभी भी हम जब केस टेकिंग कर रहे होते हैं तो हम अपना जो डिजीज वाला पार्ट है
उसकी जो डायग्नोसिस है उसको हम पैरेलली साथ में लेके चल रहे होते हैं कि ये पेशेंट किस स्टेज में आया है और किस स्टेज की तरफ ये जा रहा है, तो हमारा ये जो है प्रोग्नोसिस भी क्लियर होता है कि हमको ये किस डायरेक्शन में लेके जाना है और पेशेंट को कौन सा मेडिसिन किस पोटेंसी में सिलेक्ट करना है। तो हमारा इसलिए दोनों तरफ केस टेकिंग बराबर चलना चाहिए, ये नहीं कि हम टोटली होम्योपैथी पर चले गए तो पेशेंट कोई भी डिजीज किसी भी स्टेज में सीवियर स्टेज में लेके आ रहा है, मे भी हो सकता है निमोनिया के लास्ट स्टेज में आ रहा हो और हमारा मेडिसिन से एक जनरल सिलेक्शन कर रहे हैं तो वो भी सही नहीं होता है। तो इसलिए पैरेलल हमें चलना चाहिए और हमको उसी चीज से जो है एक नियर बाई मेडिसिन सिलेक्ट करना चाहिए कि उस निमोनिया वाले स्टेज में या फिर उस स्टेज में कौन सा मेडिसिन है कि जो उसके सारे सिम्टम्स को कवर कर रहा है। तो एज वी ऑल नो दैट कि एक्यूट केस टेकिंग में नॉर्मली कोई 10 पॉइंट्स होते हैं जिनको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए और कुछ भी हो कफ कोल्ड डायरिया वॉमिटिंग कोराइजा सोर थ्रोट कुछ भी अगर एक्यूट कंप्लेन आता है तो उसमें हमारे यही पॉइंट्स होते हैं कि सबसे पहले कॉज मोड ऑफ ऑनसेट चेंजेस इन वेदर लोकेशन सेंसेशन कैरेक्टर टाइम एग्रेवेशन एम्यूरेशन एंड देन एकम्पेनिंग सिम्टम्स। तो कफ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एक तो कॉज होता है कि एक्सपोजर पेशेंट्स का किस चीज के हो रहा है तो कॉज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज है कि मोड ऑफ ऑनसेट कफ सडनली कई बार पेशेंट्स कंप्लेन लेके आते हैं कि अभी दिन में ठीक था मैं सडनली खांसी स्टार्ट हो गई तो क्या हुआ कि अभी जैसे कि अभी इस समय का जो वेदर है एसी कूलर ये सब ऑन हो गए हैं तो पेशेंट बोलता है कि मैं जैसे ही एसी में लेटा या एसी के पास बैठा या कूलर के पास बैठा शाम से मुझको खांसी स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे कॉज क्या हुआ है कि एक्सपोजर टू कोल्ड एयर। तो इस तरीके के कॉज का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर मोड ऑफ ऑनसेट की सडन ऑनसेट, तो सडन ऑनसेट में फिर हमारे कुछ मेडिसिन हैं तो उनको हमें देखना होता है कि एकोनाइट है बेल है ब्राइनिया है ये सारे मेडिसिन तो नहीं हो सकते तो फिर हम उनके सिम्टम्स को क्लैरिफाई करते हैं और कंफर्म करते हैं। चेंजेस इन वेदर ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेदर का क्योंकि हमारे यहाँ वेदर चेंजेबल रहता है। तो आज का जो वेदर है हमको पता है ऑलरेडी कि इस समय गर्म और ठंडा, अगर हम घर के अंदर हैं या कमरे के अंदर हैं तो एसी कूलर सब कुछ चल रहा है तो कोल्ड टेम्परेचर रहता है और जैसे हम बाहर निकलते हैं तो गर्मी धूप ये सारा होता है तो एक्सपोजर हमारा बॉडी का टेम्परेचर्स में वेरिएशंस के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पे चेंज इन वेदर में हमको फिर ऑलरेडी मेडिसिन हमारा पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए रडार रिपर्टरी वगैरह के थ्रू कि भाई इस वेदर में कौन कौन सा मेडिसिन हो सकता है कि हॉट डेज है या फिर चेंजेस फ्रॉम द विंटर टू कोल्ड विंटर टू हॉट। तो जस्ट लाइक वी हैव टू सिलेक्ट दिस ऑल मेडिसिन प्रायर टू दैट देन वी कैन कन्फर्म द मेडिसिन ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम सिमिलैरिटी। देन कफ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोकेशन का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है क्योंकि ये सारे पॉइंट्स में जरूरी है कि सारे पॉइंट्स होने चाहिए बट जो मेन कंप्लेन है उसके पॉइंट्स हमें नोटिस करना पड़ता है। तो कफ में लोकेशन का उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है, सेंसेशन का भी बाद में बट कैरेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कफ कैसा है ड्राई है लूज है बार्किंग कफ है गैगिंग कफ है हॉकिंग कफ है किस तरीके कफ आ रहा है तो ये हमारा कैरेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मेडिसिन की तरफ हमको लेके जाता है। देन सेंसेशन कफ के साथ सेंसेशन पेशेंट बताता है कि थ्रोट में पेन हो रहा है या फिर चेस्ट में पेन हो रहा है तो वो सेंसेशन पार्ट में आता है कि कैसा स्टिचिंग पेन है या सोरनेस है या फिर रॉनेस है तो वो सारे फिर हम उसको एक साथ में रख के फिर कंफर्म करते हैं कि किस मेडिसिन की तरफ हो सकता है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द एग्रेवेशन एंड एम्यूरेशन। कफ में होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है कि एक एक एग्रेवेशन एम्यूरेशन जैसे ही चेंज होता है मेडिसिन चेंज हो जाती है कि कफ एग्रेवेशन लाइंग ऑन है कफ एग्रेवेशन डे टाइम है मॉर्निंग है इवनिंग है नाइट है सिटिंग है लॉफिंग टॉकिंग है। जस्ट लाइक अगर मैं टॉकिंग वाले फेज में चल रहा हूँ तो अगर कफ एग्रेवेशन टॉकिंग है तो मैं शायद बोल कम पाता और खांसी ज्यादा आती तो उधर पे मेडिसिन डिफरेंट मेडिसिन। फिर टाइम कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ मेडिसिन के टाइम इंपॉर्टेंट होते हैं कि नाइट कफ होता है किसी का 1 बजे है 2 बजे है 3 बजे रात को 4 बजे है सुबह उठते ही साथ खांसी स्टार्ट हो जाती है डे टाइम में कफ है। तो मेनली जो कफ में जो पॉइंट्स हैं कॉज चेंजेस इन वेदर मोड ऑफ ऑनसेट एंड द कैरेक्टर एंड द एग्रेवेशन एम्यूरेशन and then time and the accompanying symptom this is the most part of this case taking ki koi bhi hum medicine jab finalize kar rahe hote hain to uske accompanying symptoms pe dhyan dete hain just like abhi dr deepak ne bataya ki brainia us patient ko diya tha to ek to brainia weather se related medicine hai hi hamara to is phases mein brainia agar kyunki garmi bhi hai aur thand ka exposure bhi ho raha hai to same brainia ka yahan par ek cause bhi ho gaya aur uska accompanying symptom mein patients का जो फेज आता है वो ड्राइनेस ऑफ माउथ थर्स्ट इंक्रीज डलनेस डिजायर टू लाई डाउन डोंट वांट टू बी मूव तो जो बॉडी में जो लिथार्जीनेस है वो ब्राइनिया के फेजेस में इस तरीके से आता है। तो फिर पेशेंट्स कंप्लेन विद द फीवर और अकॉम्पनिंग दीज टाइप्स ऑफ सिम्टम्स। तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री ऑफ द कफ पे आता हूँ कि थोड़ा सा एक कफ का एक क्लिनिकल रिव्यू ले लेता हूँ कि कफ यूजली किस तरीके का होता है।
हिस्ट्री में सबसे पहले हम ऑनसेट एंड ड्यूरेशन की कब कब स्टार्ट हुआ, आज स्टार्ट हुआ या 3 दिन पहले या 10 दिन पहले का है या 4 महीने का है, तो उसी बेसिस पे हम कफ को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि इट इज एक्यूट कफ और द क्रोनिक कफ। अगर कफ लेस देन 3 वीक्स है, मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर 1 महीने तक का है, तब तो हम कंसिडर कर सकते हैं उसको एक्यूट कफ, और केस टेकिंग हमारा इस तरीके का दीज 10 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग होता है। बट अगर मोर देन 1 मंथ होता है तब फिर हमारा जो अप्रोच है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि इस केसेस में फिर हमको कोई ना कोई उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ढूंढना पड़ता है, क्योंकि जो मोस्टली सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस पर जो मेडिसिन सिलेक्ट हो रहा था वो काम नहीं कर पा रहा है। इट मीन्स कि देर इज सम डिफरेंट थिंग्स जिसके लिए हमें फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच करना पड़ता है। तो द मोस्ट और सबसे पहली चीज है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एन एक्यूट और सब एक्यूट कफ इज द वायरल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो आज हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, जो कफ का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉज है, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। जो कॉज है कोविड है, जैसे कोविड में भी, और या तो इस समय पे जो फ्लू चल रहा है, वायरल फ्लू है, तो उसमें सबसे पहला ही जो सिम्टम आता है कफ आता है। इन एडल्ट्स विद द क्रोनिक कफ दैट इज कफ लॉन्गर देन 8 वीक्स, मोर देन 90% ऑफ केसेस आर ड्यू टू पोस्ट नेजल ड्रिप एस्थमा। अब जिनमें 8 वीक्स से ज्यादा का कफ अगर हो गया, 2 महीने का हो गया, तब फिर उनमें ब्रोंकाइटिस के केसेस, एस्थमेटिक कफ, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, फिर म्यूकस बहुत ज्यादा आने लगता है, तो ये फेजेस फिर चेंजेस होने लगते हैं। तो फिर हमारा अप्रोच उस हिसाब से डिफरेंट होता है। कफ को बेसिकली 2 टाइप्स में रखा गया, एक तो ड्राई कफ होता है, एक प्रोडक्टिव कफ होता है। ड्राई में म्यूकस यूजली उतना नहीं होता है, बट प्रोडक्टिव में म्यूकस ज्यादा आता है। तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्चार्ज और एक्सपेक्टोरेशन, कफ के साथ एक्सपेक्टोरेशन कैसा आ रहा है, जो हम बात कर रहे थे कैरेक्टर ऑफ कफ, तो कैरेक्टर ऑफ कफ के साथ कैरेक्टर ऑफ एक्सपेक्टोरेशन को भी हम उसी हिसाब से कंसिडर करते हैं कि ड्राई ग्रीनिश एक्सपेक्टोरेशन है, व्हाइटिश एक्सपेक्टोरेशन है, या फिर स्टिकी एक्सपेक्टोरेशन है, वॉल लाइक एक्सपेक्टोरेशन है, ब्लैकिस है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द एक्सपेक्टोरेशन, या बहुत ज्यादा ऑफेंसिवनेस स्मेल के साथ में है, तो प्रोडक्टिव कफ में हमारे लिए और ज्यादा इजी हो जाता है कि उसका कफ किस मेडिसिन की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले हम ड्राई कफ को डिस्कस करते हैं। ड्राई कफ इज अ कफ दैट डज नॉट ब्रिंग अप म्यूकस, इट मे फील लाइक यू हैव अ टिकल इन द बेसिस थ्रोट, ट्रिगरिंग योर कफ रिफ्लेक्स, गिविंग यू हैकिंग कफ। ड्राई कफ अगर बिकॉज देयर इज इन्फ्लेमेशन, द इरिटेशन, द रेस्पिरेटरी, तो ड्राई कफ यूजली आपको पता है कि ड्राई है, उसमें म्यूकस बिल्कुल नहीं आता है, बट उसको जो लैरिंग्स वाला पार्ट है वहां पे उसको टिकलिंग होता है, इरिटेशन फील होता है, तो उसकी वजह से उसको कफ रिफ्लेक्स आते हैं बार बार। तो उसके बेसिस पे फिर क्या होता है कि हमको मॉडेलिटीज वाला पार्ट होता है और कफ के साउंड्स होते हैं, उस पर हम मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कफ किस समय एग्रेवेट कर रहा है, कोल्ड से और वार्म ड्रिंक से रिलीफ कैसा मिल रहा है, तो उसी हिसाब से मेडिसिन डिफ्रेंशिएट होते हैं। कॉजेज ऑफ ड्राई कफ, तो ड्राई कफ्स आर ऑफन कॉज बाय अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सच एज कोल्ड और द फ्लू। फर्स्ट जो मेजर कॉज है कोल्ड और फ्लू होता है, अदर देन दैट लैरिंजाइटिस, सोर थ्रोट, क्रोप, टॉन्सिलाइटिस, साइनसाइटिस, एलर्जीज, जीआरडी और एक्सपोजर टू एनी इरिटेंट और पॉल्यूशन, जो किसी फैक्ट्री वर्कर्स वगैरह होते हैं तो एक्सपोजर होता है डस्ट वगैरह का, या फिर मोस्टली जो घर में स्मोक का एक्सपोजर होता है, तो उसकी वजह से जो कफ होता है फिर वो अदर कॉजेज में आता है। कोविड-19 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट सिम्टम है, ड्राई कफ इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द कोविड-19। तो हमको वहां पे जरूरी नहीं कि उसको कोविड-19 हो गया है, बट मे बी कोविड-19 हो सकता है, तो हमको पूरा केस उसका कंसिडर करके फिर उस हिसाब से मेडिसिन का सिलेक्शन करके आगे की तरफ जाते हैं। बाकी अदर सिम्टम्स कोविड-19 के सोर थ्रोट्स होते हैं, फिर फीवर है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, लेटर ऑन इट गोज टू द निमोनिया, देन रैटलिंग कफ और म्यूकस, फिर ये सारा डेवलप होता है, तो फिर हमारा मेडिसिन उस हिसाब से डिफरेंट पहुंचता है। प्रोडक्टिव कफ, तो ड्राई कफ हुआ, देन प्रोडक्टिव कफ में अभी मैंने बताया कि प्रोडक्टिव कफ में is a cough that typically brings about the mucus. इसमें mucus का production ज्यादा होता है. Causes same है, cold or flu, pneumonia, फिर इसमें COPD, chronic obstructive pulmonary diseases होने लगते हैं, emphysema, bronchitis, asthma, patient asthmatic होने लगता है, क्योंकि mucus ज्यादा बन रहा है तो उसको फिर सांस लेने में भी problem आने लगता है, तो फिर asthmatic cough. तो day by day जो time जैसे जैसे increase होता है उसका जो है ये phases जो है थोड़े से बढ़ने लगते हैं. They can come on slowly or quickly and maybe accompanied other symptoms. फिर इसमें सिम्टम्स रनिंग नोज, पोस्ट नेजल ड्रिपिंग, ये सब भी आता जाता है। स्पुटम का मेनली इसलिए मैंने यहाँ पे रखा कि क्योंकि जो डिजीजेस हैं उनके ऑन द बेसिस ऑफ द स्पुटम हम डिजीजेस का भी अप्रोच करते हैं कि किस डिजीज की तरफ जा रहा है या किसका डायग्नोसिस हमारा हो सकता है, तो पेशेंट किस स्टेज में आया तो उसी हिसाब से हम उसको देखते हैं। जस्ट लाइक ए ग्रीनिश येलोइश एक्सपेक्टेशन, हमारे मेडिसिन में
बहुत सारी मेडिसिन है ग्रीनिश येलो एक्सपेक्टोरेशन, जस्ट लाइक काली बाई है, काली आयोड है, तो मेनली इनका ग्रीनिश एक्सपेक्टोरेशन होता है. तो उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो देर इज द इन्फेक्शन ड्यू टू रस ऑफ द डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल्स. तो यहाँ पर क्या कि जो भी इन्फेक्शियस कफ है वहां पर डब्ल्यूबीसी की वजह से जो है ये ग्रीनिश और येलो एक्सपेक्टोरेशन होता है. यूजली अगर हम देखें कि कोई भी कफ स्टार्ट होता है सबसे पहले ड्राई होता है, देन फिर वॉटरी म्यूकस आता है, और फिर देन फ्लैगम आता है, देन व्हाइटिस एंड देन येलोइश और ग्रीनिश. तो ये स्टेजेस होते हैं उसकी डिजीज जो है वो किस फेजेस में जा रही है. अगर वॉटरी है, ग्रीन या व्हाइटिस है तो वो स्टार्टिंग फेज में है अभी. जैसे जैसे अगर येलोइश और ग्रीनिश में जा रहा है इट मींस कि वो डीप इन्फेक्शन हो रहा है, और फिर हमें अब आगे थोड़ा अप्रोच उसी हिसाब से कंसिडर करना पड़ता है. तो इसलिए मैंने यहाँ पर डाला कि उसकी ड्राई कफ व्हाइट येलो ग्रीन इलनेस में प्रोग्रेसिंग फ्रॉम वायरल टू बैक्टीरियल, फिर उसके बाद मे बी रीचेस टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन. नेक्स्ट है ब्राउनी और रस्टी ब्राउन एक्सपेक्टोरेशन. कभी कभी पेशेंट बताता है कि खांसते खांसते जो मटमैला सा बलगम आ रहा है, या म्यूकस ऐसा आता है कि जैसे कि लाल और कुछ ऐसा मिक्स होता है. तो ये यूजली इन्फेक्शियस जो स्टेज होते हैं बैक्टीरियल निमोनिया, बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस, निमोकोनियोसिस और लंग एब्सेस. और लंग एब्सेस अगर एब्सेस हो गया तो फिर वहां पे फॉल स्मेल भी आने लगती है. देन व्हाइटिस एक्सपेक्टोरेशन है, जैसे कुछ मेडिसिन है व्हाइटिस एक्सपेक्टोरेशन पे हम जाते हैं, जैसे काली म्यूर है, एनिज्म है. तो इस तरीके से जो मेडिसिन है उनको हम एक्सपेक्टोरेशन के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं. तो यहाँ पे जैसे वायरल ब्रोंकाइटिस है, जीआरडी है, सीओपीडी है, सीएचएफ है, इनके स्टार्टिंग कंडीशन में पेशेंट्स व्हाइटिस एक्सपेक्टोरेशन के साथ में आता है. फिर ब्लैकिस के साथ में आता है तो मे बी इट कुड बी ड्यू टू द स्मोकिंग, निमोकोनियोसिस और सिस्टिक फाइब्रोसिस. जो मोस्टली स्मोकर्स होते हैं उनका जो स्पुटा होता है वो ब्लैकिस स्पुटम के साथ में आता है, और जो स्मोकर्स होते हैं उनमें हॉसनेस बहुत ज्यादा होती है. तो ये कफ के साथ में एक एसोसिएटिंग कंप्लेन उनका बहुत ज्यादा होता है कि आवाज काफी रफ हो जाती है और हॉर्सनेस के साथ में. तो हमें मेडिसिन उसी ग्राउंड पे सोचना पड़ता है. एक क्लियर फ्लैग भी आता है, बॉडी इज ट्राइंग टू फ्लश आउट एंड रिटेंट लाइक पॉलन और सम टाइम. कभी कभी क्या होता है कि कोई भी रिटेंट या कोई फॉरन पार्टिकल आता है तो धीरे धीरे वहां पर म्यूकस आने लगता है, फिर उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं. तो इट इज जस्ट लाइक एलर्जिक राइनाइटिस है, वायरल ब्रोंकाइटिस है, वायरल निमोनिया है, तो उसमें ये सारे फेजेस आते हैं. स्पुटम रेड और पिंक होता है. तो रेड और पिंक किस डिजीज कंडीशन में हो सकता है? निमोनिया, टीबी. टीबी का हमको सबको पता है कि टीबी का जो है रेड स्पुटम एक टीबी की तरफ हमको इंडिकेट करता है. सीएचएफ, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, लंग कैंसर. तो ब्लड इन स्पुटम आ रहा है तो टीबी, लंग कैंसर या फिर निमोनिया के लेटर स्टेज में तो पेशेंट नहीं आ रहा है. तो हमको उसी हिसाब से अप्रोच करना पड़ता है कि पेशेंट किस स्टेज में जा रहा है. मे बी हमको उसके टेस्ट करके भी क्लियर करना पड़ता है कि पेशेंट को टीबी या फिर कैंसर तो नहीं हुआ है. तो ये तो एक हमारा अप्रोच था कि डिजीज के बेसिस पर कफ किस तरीके का हो सकता है. तो पैरेलली हम डिजीज को भी डायग्नोज कर रहे हैं और उसी के पैरेलल हम अपनी मेडिसिन को भी सिलेक्ट करते हैं. तो हाउ टू अप्रोच एक्यूट कफ. तो एक्यूट कफ में यूजली while seeing the acute cases of bronchitis or other condition, we have a cough, we first prescribe on the acute condition. तो कोई भी patient जब आता है तो हम उसको acute conditions के हिसाब ही approach करते हैं. फिर जब उसकी history पता चलती तब देखते हैं कि ये chronic की तरफ जा रहा है या फिर acute है. क्योंकि कई बार patients आते हैं कि 5 महीने हो गया, 6 महीने हो गया, मुझको खांसी लगातार आ रही है, मैंने बहुत सारी medicine खा लिया, even homeopathy भी खाया, antibiotic भी खाया, बहुत सारा medicine खाया, but मैं cough ठीक नहीं हुआ. तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि अगर हमको देखना होता है कि सीवियरिटी ज्यादा है तो फिर मोस्ट नियर बाय मेडिसिन ढूंढना पड़ता है, मोस्ट इंडिकेटेड. और ये भी ढूंढना होता है क्योंकि कई बार क्या होता है पेशेंट बोलता है कि मैं होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत खा के आया बट ठीक नहीं हो पाया. तो उस समय पर हमारा जो अप्रोच होता है कॉमन मेडिसिन की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स होते हैं सबसे पहले जो कॉमन मेडिसिन उन्हीं को देते हैं, जैसे लाइक ब्रायनिया हो गया, एंटीमटार्ट हो गया, आर्सेनिक हो गया. तो ये मान के जाना चाहिए होता है कि ये मेडिसिन खा के आए हुए हैं. तो हमारा जो अप्रोच है फिर उन मेडिसिन को ढूंढना पड़ता है कि बिल्कुल जो पेशेंट सिम्टम्स बता रहा है कि वो उसके एकदम पिक्यूलियर मेडिसिन के सिम्टम्स है या फिर मोस्ट इंडिकेटेड मेडिसिन फॉर दैट. तो कभी कभी कुछ ऐसे रेयर मेडिसिन होती हैं जो केवल उनके सिम्टम्स ही उसी से रिलेटेड होते हैं कि केवल कफ का है तो फिर कफ ही का मेडिसिन, जस्ट लाइक एमोनिया कम है, एनिसम है, तो इसमें मेडिसिन में कुछ नहीं है बट इनके चेस्ट सिम्टम्स और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स बहुत ज्यादा मार्क्ड है. तो हमको वो मेडिसिन की तरफ अप्रोच करना पड़ता है. और अगर उससे नहीं होता तो फिर हमारा समटाइम व्हाइल गिविंग इंडिकेटिव मेडिसिन फॉर कम कफ इट डू नॉट वर्क और पार्शियली वर्क एंड डे बाय डे इट बिकम्स एलर्जिक दैट टाइम्स देन वी शुड गो फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको ध्यान रखना चाहिए.
कई बार जब हम कफ के पेशेंट्स देखते हैं तो जरूरी नहीं है कि जो मेडिसिन सिलेक्ट किया ठीक हो गया, और यूजली जो इंडिकेटेड मेडिसिन होता है अप टू 24 आवर्स तक वो मेडिसिन काम करने चाहिए। अगर 24 आवर्स में उसको पेशेंट्स को रिलीफ नहीं मिल रहा है या कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है तो फिर हमारा दूसरा मेडिसिन का अप्रोच होना चाहिए। तो ऐसे दो या तीन मेडिसिन जब हम सिलेक्ट करते करते उसको पेशेंट को 10-12 दिन हो गए उसका कफ ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर हमको यहाँ देखना पड़ता है कि डे बाई डे उसका टाइम बढ़ता चला जा रहा है और कफ में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो फिर वहां पर हमारा अप्रोच कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है कि अब हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी निकालना होगा जो उसको कफ का क्योर की तरफ लेके जा सकता है। इन मोस्ट केसेस दैट इज ऑल दैट इज रिक्वायर्ड, बट सम केसेस विल रिकर आफ्टर दे हैव बीन पैलिएटेड। दिस इज स्पेशली ट्रू इफ द कंडीशन इज एलर्जिक इन नेचर, इन सच केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हैज टू बीगिन। ये भी बहुत होता है पेशेंट्स के साथ कि पेशेंट्स कफ बहुत लेके आया, सीवियर कफ है, उसको मेडिसिन दिया और पेशेंट्स को आराम मिला, बट हफ्ते 10 दिन बाद फिर से खांसी लेके आया कि फिर से खांसी स्टार्ट हो गया उसको, फिर हमने कोई इंडिकेटेड मेडिसिन दिया, फिर उसको 15-20 दिन बाद फिर हो गया। तो रिकरेंसी ऑफ द कफ, टेंडेंसी टू कफ, कफ एंड कोल्ड की जो टेंडेंसी उसकी बार बार पे हो रही, तो यहाँ पर अब हमारा जो अप्रोच है वो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए, ना कि कोई एक्यूट मेडिसिन, क्योंकि जो एक्यूट है वो बार बार दे रहे हैं, बार बार उसको रिकर कर रहा है। तो यहाँ पर जो बात होती है कि जो डॉक्टर हैनीमैन ने भी बोला है कि हमको कोई डीप एंटी मियाजमेटिक मेडिसिन देना चाहिए, तो जिसके बाद फिर उसका जो है जो भी कंप्लेन है वो फिर इम्प्रूवमेंट की तरफ आता है। तो ये बेसिकली जो पॉइंट्स हैं ये हमारे दिमाग में हमेशा रहने चाहिए कि कॉज, लोकेशन, सेंसेशन, कैरेक्टर, एग्रेवेशन, एम्बुलेशन टाइम एंड देन एकॉम्पनिंग सिम्टम्स। तो ये पॉइंट्स अगर दिमाग में होंगे तो हमारा जो डिजीज का भी हिस्ट्री है वो भी बराबर आएगा और हमारा मेडिसिन का भी केस टेकिंग वो भी बराबर आएगा। कि पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब खांसी हो रहा है, और ये मैंने लास्ट वेबिनार में भी बताया था कि केस टेकिंग का पार्ट हमेशा होता है कि फिजिशियन सबसे पहले लिसनर होता है, वो सुनता है पेशेंट जो बोल रहा है, बोलता जा रहा है ठीक है, नोट डाउन करता जा रहा है, तो उस समय पर उसको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चेन ऑफ थॉट्स है उसके वो अगर ब्रेक हो गया तो फिर जो इम्पोर्टेंट पार्ट वो बताना चाहता है तो वो मिस हो सकता है। तो इसलिए पेशेंट आते ही साथ जो बोल रहा है डॉक्टर साहब खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो ये सारी जो चीजें हमको सिर्फ नोट डाउन करना है। जब पेशेंट स्टॉप हो गया, रुक गया, तब हमारा उसकी हिस्ट्री पे जाना चाहिए कि खांसी कैसी है, कब से है। उसने बोला कि 2 दिन से खांसी हो रही है, सूखी खांसी हो रही है, तो ड्राई कफ है फ्रॉम 2 डेज, एक्यूट कफ है, accompanying with fever है, तो fever में उसको accompanying symptoms जो हमारे cough में 10th point है कि accompanying symptom fever में कैसा लग रहा है, मतलब क्या दिक्कत हो रही है, तो बोलता है कि हम भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही है, body में बहुत ज्यादा weakness लग रही है, body ache हो रहा है, बेचैनी लग रही है, तो these are the accompanying symptoms, changes in the mental or the physical general symptoms। और फिर cough का जो modality है कि किससे बढ़ता है, जैसे कि रात को सोने के बाद खांसी बढ़ जाती है या सोने के बाद आराम मिल जाता है, सुबह उठते साथ खांसी स्टार्ट। तो पेशेंट कई बार बताता है कि डॉक्टर साहब दिन भर हम काम करते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही घर में जाते हैं खांसी बढ़ जाती है। तो कफ एग्रेवेटेड एट द नाइट और इनसाइड द रूम, और बिस्तर पे जाते ही साथ स्टार्ट हो जाती है, तो एग्रेवेशन लाइंग ऑन। तो ये सारे सिम्टम्स है, जो पेशेंट की जो लैंग्वेज है अगर उस पर हम ध्यान देंगे तो हमारे सारे सिम्टम्स हमको मिलते हैं, और हमको हर सिम्टम्स पर ध्यान देना चाहिए कि पेशेंट ने कितने फोर्सफुली उस सिम्टम को बताया, क्योंकि वही उस मेडिसिन के सिलेक्शन पर बेस होता है, क्योंकि उसी पे हमारी मेडिसिन चेंज हो जाती है तुरंत। तो कैरेक्टर ऑफ कफ पे आते हैं हम, कि सबसे पहले जो कैरेक्टर ऑफ कफ है वो हमारा मेडिसिन को काफी डिफ्रेंशिएट करता है। तो जस्ट लाइक एस्थमेटिक कफ है, बार्किंग कफ है, चोकिंग एज सून एज शी फॉल इन साउंड स्लीप, डीप नॉट इनफ टू ब्रिंग आउट म्यूकस सेंसेशन। तो कफ पेशेंट आ रहा है तो एस्थमेटिक अटैक के साथ आ रहा है कि सांस बहुत ज्यादा फूल रही है, या बार्किंग है कि बहुत ज्यादा ड्राइनेस के साथ में है, या चोक फील हो रहा है। जस्ट लाइक कि अभी 1-1.5 महीने पहले जो एक्यूट कफ आ रहा था तो पेशेंट चोकिंग के साथ बहुत आ रहा था, कि गले में उसको एकदम चोकिंग सेंसेशन होता है, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, और इवन रात में खांसी ज्यादा बढ़ जाती, सो नहीं पाता है। तो लैकेसिस बहुत ज्यादा मेडिसिन में एक्यूट में कफ में कवर कर रहा था। डीप कफ होता है कि डीप कफ मीन्स की अंदर पूरा उसको पेशेंट्स को पूरा हिला देता है, कि अंदर खांसते खांसते इवन जो है वो वॉमिट कर देता है, या खांसते खांसते पूरे बॉडी में उसको पेन होने लगता है, तो इतना ज्यादा डीप कफ होता है। तो डीप नॉट इनफ इन ब्रिंग आउट म्यूकस। तो कफ में क्या है कि डीप कफ है बट म्यूकस अंदर चेस्ट के अंदर, कई बार पेशेंट बोलता है तो खांसी बहुत आ रही है लेकिन अंदर सारा सीने में जमा हुआ है, जकड़न बहुत ज्यादा है, एकदम जकड़ा हुआ है,
निकलता नहीं है, मैं कोशिश बहुत करता हूँ बट निकलता नहीं है. तो इसका जो रूब्रिक है नॉट इनफ टू ब्रिंग आउट म्यूकस सेंसेशन एज गुड, तो कॉस्टिकम मेडो मेजराइम. तो अब यहाँ पे जैसे मैं मेडिसिन अगर देखूँ कि जस्ट लाइक है कि एस्मेटिक कफ में अमोनियम कार्प, तो अमोनियम कार्प का जो यूजली कफ है पेशेंट्स कंप्लेन लेके आता है कि मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, और इसको जो यूजली रात में 3 बजे के आसपास खांसी ज्यादा होती है और सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, और एग्रवेशन इन साइड द रूम, एम्बुलेशन इन द ओपन एयर, खुली हवा में इसको अच्छा लगता है. तो कफ अकॉम्पनीड विद द डिस्निया. लेकिन अगर हम 3 बजे देखें तो काली कार्प में भी कफ विद डिस्निया होता है, बट काली कार्प में क्या होता है, देयर इज अ स्टिचिंग पेन सेंसेशन जो मैंने मार्क किया था केस में, कि स्टिचिंग पेन पेशेंट बताता है कि खांसते खांसते चेस्ट में पेन भी होता है और उसको रात को 3 बजे के आसपास ही ज्यादा दिक्कत होती है. एंटेमार्स, एंटेमार्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, अगर हम देखें इसको कि एंटेमार्स में एंटेमटार्ट और आर्सेनिक एल्बम के सिम्टम्स मिलते जुलते हैं, और एंटेमार्स जो इस समय पर जो निमोनिया के जो सिम्टम्स हैं या COVID-19 के जो लेटर स्टेज में निमोनिया के पेशेंट कंप्लेन लेके आते हैं, तो उसमें एंटेमार्स का भी एक बहुत यूज होता है. एंटेमार्स में क्या है कि एंटेमटार्ट का अगर हम कफ देखें कि एंटेमटार्ट में रैटलिंग कफ होता है, डिफिकल्ट टू एक्सपेक्टोरेट, पेशेंट एक्सपेक्टोरेट नहीं कर पाता है. बच्चों में बहुत ज्यादा निमोनिया के केसेस में आते हैं कि बच्चा जो है खांसते खांसते बलगम उसका जकड़ा हुआ है लेकिन निकाल नहीं पा रहा है, बच्चा परेशान हो रहा है. तो एंटेमटार्ट का जो रैटलिंग कफ है, बट आर्सेनिक में क्या होता है कि देयर इज नॉट मच रैटलिंग, आर्सेनिक में रैटलिंग उतनी ज्यादा नहीं होती, बट डिस्निया ज्यादा होता है. पेशेंट को खांसी के साथ में डिस्निया बहुत ज्यादा आता है और एग्रवेशन लाइंग ऑन, जैसे ही वो लेटता है सांस फूलते साथ में खांसी आती है, और जैसे ही आराम उसको बैठता है तो आराम मिल जाता है, एम्बुलेशन बाय स्टिचिंग अप. तो आर्सेनिक एल्बम का जो डिस्निया हो, एंटेमटार्ट का रैटलिंग हो, तो एंटेमार्स एक बहुत अच्छी मेडिसिन है कि पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब खांसते खांसते जो है बलगम अंदर गड़गड़ाहट कर रहा है और सांस भी बहुत फूल रही है, और जैसे ही लेटते हैं खांसी बढ़ जाती है. तो एंटेमटार्ट प्लस आर्सेनिक देन एंटेमार्स. कार्बोवेज, कार्बोवेज का भी एक वेदर इस समय पर चल रहा है, जो मैंने आपको बताया था कि बाहर गर्मी है और अंदर कूलर और एसी चल रहा है, तो आफ्टर गेटिंग ओवर चिल्ड इन द ओवर हीटेड स्टेज, कार्बोवेज का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज है कि पेशेंट क्या है कि बाहर गर्मी में धूप में पसीने में होके आता है, घर के अंदर आते साथ एसी या कूलर ऑन करके बैठ जाता है, तो ठंडी हवा का एक्सपोजर हुआ और सबसे पहला जो कार्बोवेज का अटैक होता है वो थ्रोट का होता है, हॉसनेस. तो कई बार पेशेंट्स हॉसनेस लेके आते हैं लेकिन उसी के साथ साथ फिर उसको खांसी का भी आ जाता है. तो जैसे ब्रायनिया है उसी तरीके से कार्बोवेज भी है इस फेज के लिए कि गर्म और ठंडा जहाँ एक्सपोजर होता है. तो कार्बोवेज में क्या है कि हॉसनेस के साथ म्यूकस भी आने लगता है उसको, और समटाइम एकम्पनीड विद द फ्लैचुलेंस कि गैस भी बहुत ज्यादा बनने लगी है. तो कार्बोवेज में हमें यहाँ कॉज कंसीडर करना पड़ता है. डॉक्टर आशीष, प्लीज सॉरी टू इंटरप्ट, मैं आप सब लोगों को बता दूं क्योंकि हमारा ये जो शो है ये फेसबुक पे भी लाइव है और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो जनरल पब्लिक हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं या होम्योपैथी के बारे में नहीं जानते हैं, तो उन सभी के लिए मैं बता दूं कि ये सारी सीरीज एजुकेशनल सीरीज है और हम डॉक्टर्स के लिए ऐसा सब कुछ कर रहे हैं. और आप अपने आप किसी भी तरीके से कोई प्रिस्क्रिप्शन ना करें बिना किसी डॉक्टर के सलाह के, और ना ही हमारे ऐसे कोई भी प्रोग्राम प्रिस्क्रिप्शन के लिए लागू हैं, या ऐसे अथॉरिटी कोई नहीं देता हमारे कोई भी एजुकेशन प्रोग्राम कि आप अपने आप ऐसे सिम्टम्स के आधार पर अपने आप बिना किसी डॉक्टर के सलाह के दवाई लें. तो जो भी आज यहाँ पे हमें बता रही हैं, हमारे जितने भी वेबिनार्स हुए हैं, मेरी उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है जो होम्योपैथ नहीं है वो अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं. अगर आपको इनमें से कोई मेडिसिन चूज भी हो रही है तब भी अपने जो होम्योपैथिक डॉक्टर है उसके पास जाएं और उनसे ऐसा मैच कराएं तभी वो कोई मेडिसिन लें, बाकी अपने आप लेने की कोशिश ना करें. सो थैंक यू सो मच एंड सॉरी डॉक्टर आशीष, प्लीज कंटिन्यू. तो मैं क्यूप्रामेट आ रहा था. तो क्यूप्रामेट में स्पैज्मोटिक कफ होता है, ड्राई कफ ज्यादा होता है. तो पेशेंट क्या होता है खांसते खांसते एकदम जो है बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा हैकिंग कफ वाला जो फेज आता है, खांसते खांसते थक जाता है और चेहरा एकदम ब्लूशनेस आ जाती है चेहरे पे उसके. तो मेनली क्यूप्रामेट में क्या ड्राइनेस है और स्पैज्मोटिक कफ ज्यादा है, बहुत तेजी के साथ खांसी आती है और इसको पानी पीने से आराम मिलता है, एम्बुलेशन बाय ड्रिंकिंग वाटर. ड्रोसेरा में वूपिंग कफ का एक मेन मेडिसिन है जब, और ड्रोसेरा कभी कभी फर्स्ट मेडिसिन नहीं होता है. जब भी एक्यूट केस आएगा जो बोलेगा आज खांसी स्टार्ट हुआ है या कल स्टार्ट हुआ, तो ड्रोसेरा उस समय का मेडिसिन नहीं होता है. ड्रोसेरा आता है 3-4 दिन बाद या 4-5 दिन बाद आता है. तो उस फेज में ड्रोसेरा आता है कि म्यूकस बॉडी चेस्ट के अंदर काफी डेवलप हो चुका है और पेशेंट कंप्लेन लेके आता है कि खांसी बहुत ज्यादा आ रही है, गैगिंग कफ आता है और खांसते खांसते इवन रात में उसको इतना ज्यादा दिक्कत होता है कि खांसते खांसते वॉमिट आउट करता है, आफ्टर वॉमिटिंग उसको आराम मिलता है. तो ये ड्रोसेरा का
वूपिंग कफ का फेज होता है, तो यूजली फर्स्ट रेमेडी ड्रोसेरा नहीं होता है। किस फेज में आया है ये हमको देखना होता है। कालीकार्प मैंने अभी आपको बताया ही है कि उसमें स्टिचिंग पेन के साथ होता है। कालीकार्प का टाइम एक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इसको रात को 3 बजे ही कफ स्टार्ट होगा और डिस्निया के साथ में होगा, और चेस्ट पेन बताएगा कि स्टर्नम से बैक की तरफ भी जाता है, और कभी कभी इसका स्टिचिंग पेन होता है राइट साइड ऑफ द लंग। सेनेगा ये ओल्ड पीपल्स का कफ है, यूजली ब्रोंकाइटिस के केसेस में पेशेंट्स जो ओल्ड एज में आते हैं उसमें हॉसनेस के साथ में, क्योंकि ओल्ड एज में क्या होता है कि उसमें हॉसनेस भी डेवलप हो चुका होता है, तो उस समय पे पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसको गले में खराश बहुत ज्यादा हो रही है और म्यूकस बहुत ज्यादा बन रहा है। म्यूकस बन रहा है बट डिफिकल्ट टू एक्सपेक्टोरेट, तो अगर म्यूकस ज्यादा बन रहा है डिफिकल्ट टू एक्सपेक्टोरेट देन वी थिंक अबाउट द एंटीमटार्ट, एंटीमटार्ट के बारे में सोचते हैं। लेकिन पेशेंट कंप्लेन कर रहा है यहाँ पे कि खांसते खांसते सीने में भी दर्द हो रहा है, चेस्ट पेन, तो ब्रायनिया अगर हम मेडिसिन सोचें कि ब्रायनिया में ड्राई कफ है, ब्रायनिया में ड्राइनेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ज्यादा है, तो वहां पे चेस्ट पेन ज्यादा होता है खांसते खांसते, ब्रायनिया एक्यूट कफ, ड्राइनेस ऑफ द चेस्ट विद द पेन इन द चेस्ट, और उसमें भी स्टिचिंग पेन होता है ब्रायनिया में। लेकिन सेनेगा के केसेस में क्या होता है, पेशेंट बताता है कि म्यूकस बहुत ज्यादा बना है और उसको चेस्ट पेन होता है, इवन स्टिचिंग पेन। तो जब पेशेंट कंप्लेन कर रहा हो कि एंटीमटार्ट जैसा उसको कफ आ रहा है बट स्टिचिंग पेन के साथ आ रहा है, तो इट कुड बी सिनेगा, और स्पेशली ये ओल्ड एज के पेशेंट्स में ज्यादा सिनेगा का यूज होता है। साइलिसिया ये लेटर स्टेज का मेडिसिन है कि जब 8-10 दिन या 11-12 दिन हो गया पेशेंट कंटिन्यूसली कफिंग है उसका, जो इंडिकेटेड मेडिसिन से नहीं काम कर रहे हैं या नहीं मिल रहा है, तो फिर साइलिसिया और सीपीआई ये कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं कि जो कंटिन्यूस हैकिंग कफ होते हैं, कि जैसे साइलिसिया का मैं आपको बता रहा हूँ कि साइलिसिया में क्या होता है कि फीवर उसको कंटिन्यूसली आ रहा है, चिलीनेस बहुत ज्यादा है और खांसी बहुत ज्यादा आ रही है। ये ट्रायड होता है साइलिसिया का, कि पेशेंट बोलता है कि खांसी बहुत ज्यादा है, बुखार हो रहा है और ठंड लग रही है, और खांसी रात को स्टार्ट होती है, रात भर खांसते खांसते जो है मेरे को हालत खराब हो जाती है और मैं सो नहीं पाता हूँ, तो फिर हमें साइलिसिया की तरफ जाना पड़ता है और कई बार उससे केसेस कवर होते हैं। स्पॉन्जिया का यूजली ये लैरिंजियल ट्रैकियल कफ होता है, हमेशा इसका कफ स्टार्ट होता है लैरिंग्स रीजन से, जो भी पेशेंट बताएगा इतने पार्ट में ही उसको प्रॉब्लम होता है, और इसका स्पॉन्जिया का कफ तो कई बार क्लिनिक में भी पेशेंट आएगा तो वो उसकी तेज इतनी आवाज होती है लाउड साउंड के साथ होता है, इस तरीके से पेशेंट खांसता है, तो वो इवन हमको दिखाई मतलब बाद में पेशेंट दिखाएगा पहले ही पता चल जाता है कि ये स्पॉन्जिया का पेशेंट हो सकता है। और कई बार पेशेंट्स फोन से ही पूछ लेते हैं, वो सब खांसी हो रही है, बहुत तेज आवाज के साथ खांसी आ रही है, कुक्कुर खांसी हो रही है जिसको लोग बोलते हैं, तो उसमें ये स्पॉन्जिया फर्स्ट रेमेडी होती है और इसको यूजली वार्म ड्रिंक से रिलीफ मिलता है। इसमें जैसे अगर हम लोगों ने बुक में पढ़ा होगा कि देयर इज सेंसेशन एज इफ सॉ इज ड्रिवन थ्रू द वुड, जो इस सेंसेशन वाला पार्ट है, तो वो जो सेंसेशन यूजली ऐसे ही होता है कि जो लैरिंजियल ट्रैकियल जो वाला पार्ट है वहां पे लैरिंजियल ट्रैकाइटिस हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसकी वजह से वो साउंड आता है और म्यूकस धीरे धीरे बनता हो। इसको जो कफ होता है एग्रेवेशन इंस्पिरेशन, सांस लेने से इसको बढ़ता है। इसी के कंपैरिजन में अगर हम देखें बर्वेस्कम, ये दो मेडिसिन ऐसा है कि जब पेशेंट बोलता है कि तेज आवाज के साथ और सूखी खांसी आ रही है, तो सबसे पहले हम स्पॉन्जिया की तरफ जाते हैं। अगर थोड़ा पेशेंट बोलता है कि उसको सांस लेने से और बढ़ती है, तो स्पॉन्जिया और गर्म पानी पीने से आराम मिलता है। अगर बोलता है कि सांस लेने से उसको आराम मिल रहा है, डीप इंस्पिरेशन, तो वो बर्वेस्कम हो सकता है। बर्वेस्कम इज द नेक्स्ट मेडिसिन जो ड्राई लाउड साउंड के साथ में हो और डीप इंस्पिरेशन के साथ आराम मिलता है उसको। उसमें जैसे बुक में एक्सप्लेन किया कि ट्रम्पेट साउंड्स लाइक, उसका जो साउंड होता है ट्रम्पेट लाइक होता है, तो यूजली बट पेशेंट्स में जो ड्राई लाउड साउंड हो तो उसको हम स्पॉन्जिया और बर्वेस्कम को रूल आउट कर सकते हैं अगर और कोई सिम्टम नहीं मिलता। तो बार्किंग कफ में जैसे बेलाडोना है, ड्रोसेरा तो हो गया, तो बेलाडोना तो हमारा एक एक्यूट रेमेडी है कि बेलाडोना में ड्राई बार्किंग कफ होगा, खांसते खांसते पेशेंट्स को गले में भी प्रॉब्लम होगा, और मेनली जो पेशेंट का जो फेस होगा, बेलाडोना का मेन जो सिम्टम है कि रेडनेस और हीट सेंसेशन ऑन द अफेक्टेड पार्ट, तो इसका जो फेस पर जो रेडनेस आएगी वो काफी ज्यादा आएगी, खांसते खांसते उसका चेहरा पूरा एकदम लाल हो जाएगा और फीवर के साथ में पेशेंट आएगा और बोलेगा कि गले में जो है वक्त कुछ सूखा सूखा सा लगता है और खांसी बहुत ज्यादा आती। तो ये एक्यूट सडन ऑनसेट में जब अगर पेशेंट आता है तो हम बेलाडोना की तरफ सोचते हैं, और कई बार उसको सर में भी दर्द होता है बेलाडोना का, जो पल्सेटिंग थ्रॉबिंग पेन जो उसका मार्क पेन है, कई बार पेशेंट बताता है कि खांसते खांसते सर में दर्द होता है। ड्रोसेरा तो अभी बताया, डलका मारा वेदर पर डिपेंडेंट है कि जब ये वेदर ठंडा जब मौसम आने लगता है तो फिर डलका मारा की तरफ हम अकम्पनिंग विद द कफ और कोल्ड, तो उस समय पे हम डलका मारा मोस्टली ऑन द बेसिस ऑफ द वेदर सिलेक्ट करते हैं। हिपर सल्फ का मेन जो कंप्लेन होता है पेशेंट थ्रोट पेन लेके आएगा, स्प्रिंटर लाइक सेंसेशन जो मेन इसका है,
बट पेशेंट जो बताता है अपनी लैंग्वेज में, पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब गले में कुछ फंसा फंसा लग रहा है, कुछ ऐसा लगता है कुछ फंसा है, वो ना अंदर जाता है ना बाहर आता है और उसकी वजह से खांसी भी आती है। तो व्हेन कफ अकंपनीड विद द सोर थ्रोट, जो मैंने लास्ट टाइम पॉइंट बताया था कि अकंपनिंग सिम्टम कफ विद द सोर थ्रोट, तो गले में जब पेन बता रहा हो कि कुछ फंसा फंसा लग रहा है और वॉमिटिंग से रिलीफ मिलता है। अब देखिए स्पॉन्जियम में भी वॉमिटिंग से रिलीफ है, हिपस और में भी वॉमिटिंग से रिलीफ है, बट स्पॉन्जियम में सोर थ्रोट नहीं है, स्प्लिंटर लाइक सेंसेशन नहीं है, स्पॉन्जियम का ड्राई लाउट कफ होता है, हिपस और में पेन ज्यादा बताता है कि उसको फंसा फंसा लगता है। चोकिंग सेंसेशन एज इफ शी फॉल इन द साउंड स्लीप, रात में कई बार पेशेंट्स या बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चों की कंप्लेन लेके आते हैं कि ये बच्चा रात को सो नहीं पाता है, जैसे सोता है इसकी सांस रुक जाती है, सांस नहीं ले पाता, खांसी आ जाती है इसको सडनली। तो अरेलिया, अरेलिया और लैकेसिस कफ एग्रेवेशन स्लीप ड्यूरिंग में, अरेलिया लैकेसिस ये फर्स्ट रेमेडी है जो सबसे पहले आती है। अरेलिया में क्या होता है, फर्स्ट स्लीप में यूजली इसका 1 से 1.5 घंटे की जो नींद ले लेता है तब खांसी स्टार्ट होती है। तो इसमें और इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है लैकेसिस में कि इसका 1-1.5 घंटे की स्लीप के बाद ही इसको खांसी स्टार्ट होगी चोकिंग सेंसेशन के साथ, तो फिर हम एरेलिया सोच सकते हैं। अदरवाइज फिर अगर थोड़ा 3-4 घंटे के बाद या स्लीप में चला गया पेशेंट और फिर एकदम से खांसी स्टार्ट होता है, चोकिंग गले में कुछ एकदम लग रहा है कि सांस नहीं ले पा रहा है, तो फिर लैकेसिस की तरफ हम सोचते हैं। डीप कफ है, ड्रोसेरा हो गया, डीप कफ, हिपस सल्फ, स्पॉन्जिया, स्टेनोमेट, स्टेनोमेट का जो कफ होता है वह डीप कफ होता है और यूजली चेस्ट से आता है। इसका कफ बहुत ज्यादा जो स्टेनोमेट का वीकनेस ऑफ द चेस्ट, उसको चेस्ट में लगता है कि पता नहीं चेस्ट एकदम खाली हो गया, तो वाइल्ड कफिंग, होल्ड द चेस्ट वाइल कफिंग। ब्रायनिया में चेस्ट पेन होता है उसकी वजह से होल्ड द चेस्ट वाइल कफिंग, स्टेनोमेट में उसको खालीपन लगता है कि उसके अंदर कुछ है नहीं, एकदम वीक हो गया, तो खांसते खांसते चेस्ट पकड़ेगा। और ये खासतौर से ओल्ड एज के पेशेंट्स आते हैं। इसका एक पेशेंट मुझे दिमाग में एकदम बैठा हुआ है कि वो एकदम पेशेंट क्लिनिक में आया था, तो वेटिंग में बैठा हुआ था और खांस रहा था बहुत कस के, इवन खांसते खांसते वो चेस्ट पे उसके हाथ जा रहे हो जो भी हो, बट वो खांस रहा था और उसका जो म्यूकस है स्टेनोमेट का, वो एकदम म्यूकस की आवाज आने लगती है अंदर से, और कई बार उसको म्यूकस बहुत ज्यादा निकलता भी है। तो जो इसका म्यूकस होता है, इसका ग्रीनिश म्यूकस भी होगा, व्हाइटिश म्यूकस होगा, बट म्यूकस बहुत ज्यादा होता है प्रोफ्यूज एक्सपेक्टोरेशंस के साथ में, और पेशेंट चेस्ट को हाथ के साथ में ऐसे पकड़ के खांसता है। तो मैंने उसको इमीडिएटली स्टेनोमेट दिलवाया कि स्टेनोमेट इनको दे दो, फिर वेट करते हैं। 15-20 मिनट वेट करने के बाद उसको खांसी में रिलैक्स मिला और पेशेंट जब जब आया वो हमेशा उसको वो याद रहा कि डॉक्टर साहब वो खांसी के लिए जो दवा दिया था आपने इतना अच्छा दिया था, मैं उस समय इतना परेशान हो गया था कि समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। तो ये स्टेनोमेट में मेनली जो पेशेंट होता है कफ, होल्ड द चेस्ट वाइल कफिंग एंड म्यूकस बहुत ज्यादा आता है। कॉस्टिकम, कॉस्टिकम का जो मेन कंप्लेन है कि पेशेंट बोलता है कि देयर इज हॉसनेस, एक तो एक आवाज उसकी बैठ गई है, खांसी आ रही है और अंदर जो म्यूकस है, म्यूकस उसको निकलता है, गले तक आता है, फिर वापस आ जाता है, तो निकाल नहीं पाता है। अगर मैं उसको निकाल दूंगा तो खांसी में आराम मिलेगा। तो कॉस्टिकम का एक पे हॉसनेस के साथ में आएगा, म्यूकस के साथ, और कभी कभी सोर थ्रोट के साथ आता है। पेशेंट बोलता है गले में छिला छिला लगता है, रॉनेस सेंसेशन, कॉस्टिकम का मेन सिम्टम है रॉनेस सेंसेशन वाला। तो गले में अगर सोर थ्रोट के साथ आ रहा है, रॉनेस बता रहा है और खांसी आ रही है और पानी पीने से उसको आराम मिलता है, तो कफ विद रॉनेस सेंसेशन और डिफिकल्ट टू एक्सपेक्टोरेट, उसको लगता है अंदर जमा है, निकल जाए, आराम मिल जाएगा। और कॉस्टिकम का एकम्पनिंग सिम्टम है इनवॉलेंट्री यूरिनेशन विद। तो अगर हम देखें कई बार पेशेंट्स आते हैं, फीमेल आती हैं, बोलते हैं कि खांसते खांसते यूरिन पास हो जाता है, तो कफ विद इनवॉलेंट्री यूरिनेशन में हम तुरंत एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन की तरफ जाते हैं कि कॉस्टिकम है, नेट्रम्यूर है, पल्सेटिला है, स्किला है, तो फिर इन मेडिसिन को रूल आउट करते हैं कि कॉस्टिकम में तो रॉनेस है, हॉसनेस है और उसको म्यूकस होता है बट निकालने में दिक्कत होता है। स्किला ब्रोंकाइटिस के केसेस में, इसमें भी ओल्ड एज के पेशेंट्स में ज्यादा होता है, क्योंकि वो एक तो एक रिफ्लेक्स उनका जो ब्लैडर का होता है वो होल्ड नहीं कर पाता है, तो यूरिन पास होता है खांसते खांसते। तो ये ओल्ड एज के पेशेंट्स में स्किला, स्किला एग्रेवेशन टॉकिंग और लाफिंग, जरा सा वो हंसेगा तो खांसी बढ़ेगी और यूरिन पास हो जाएगा। तो ये स्किला एक मेडिसिन है। तो उसमें जो इसके सिम्टम्स हैं स्किला के, कि लैक्रिमेशन एंड अकंपनीड विद इनवॉलंटरी यूरिनेशन, एग्रेवेशन, कफिंग और टॉकिंग। दूसरा मेडिसिन है पल्सेटिला, पल्सेटिला भी एक कफ का बहुत मेन मेडिसिन है, ये कम्स विद द कंप्लेन ऑफ द कफ और कोराइजा। और खासतौर से जो पल्सेटिला का जो मेन मॉडेलिटी अगर हम देखेंगे कि एग्रेवेशन इन द वार्म रूम, वार्म से इसको एग्रेवेशन है, एम्लोडिस इन द ओपन एयर, खुली हवा में अच्छा लगता है। तो ये कंपेरिजन अगर हम देखें सर्दियों के मौसम में बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि बाहर का एटमोसफियर एकदम ठंडा होता है, अंदर एकदम बंद कमरे होते हैं, गर्म होता है। पेशेंट दिन भर काम करते करते आता है, बोलता है कि मैं रात को जैसे ही घर के अंदर एंटर करता हूँ खांसी स्टार्ट हो जाती है,
खांसी स्टार्ट तो मींस कफ एग्रेवेटेड इन द वार्म रूम, और दिन भर खांसी नहीं आती है मुझको, तो हम फिर उसके आगे उसका सिम्टम पूछ लेते हैं कि अकॉम्पनिंग वाला, थर्सलेस वाला, अगर मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज ये मेन मॉडलिटी इसका पल्सेटिला का एग्रेवेशन इन द वार्म रूम, एम्ब्लेम्स इन द ओपन एयर, और कभी कभी उसका टेस्ट भी बिटर टेस्ट हो जाता है या बैड टेस्ट हो जाता है, और इनवॉलेंट्री यूरिनेशन जो पल्सेटिला का। दूसरा इसका जो ये है पल्सेटिला का एक मॉडलिटी और मार्क्ड है कि एग्रेवेशन लाइंग ऑन, तो ये तो विंटर वेदर से कंपैरिजन में हमको मिल जाता है, लेकिन नॉर्मल वेदर में भी पल्सेटिला कभी कभी मिलता है। एग्रेवेशन लाइंग ऑन पेशेंट बोलता है जैसे ही मैं बेड पर लेटने जाता हूँ एग्रेवेशन लाइंग खांसी उसकी स्टार्ट हो जाती है। तो पल्सेटिला ये फर्स्ट टू रेमेडीज है, पल्सेटिला, हैसहमस, एग्रेवेशन लाइंग ऑन, पेशेंट कोई सिम्टम नहीं बता रहा डॉक्टर साहब मैं जैसे ही लेटता हूँ खांसी स्टार्ट हो जाती है, सूखी खांसी आती है, एकदम ड्राई कफ आता है, तो इट कुड बी हैसहमस। अगर कोई और मेडिसिन नहीं समझ में आ रहा, कोई सिम्टम पेशेंट नहीं बता रहा है एग्रेवेशन लाइंग ऑन, तो सबसे पहले हैसहमस, और अदरवाइज पल्सेटिला के सिम्टम्स अगर और मिल पा रहे हैं कि हाँ वो बोल रहा है कि दिन भर खांसी नहीं आती है जैसे लेटने जाते हैं, तो हम पल्सेटिला सबसे पहले उसको देख के देख सकते हैं। अगर नहीं मिलता तो फिर सेकेंड हैसहमस की तरफ जाते हैं। मेडोराइनम ये क्या होता है कि ये भी एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच होता है, अदरवाइज कभी कभी क्या होता है एक्यूट इंडिकेटेड मेडिसिन काम नहीं कर रहे होते हैं, तो मेडोराइनम एक नोजोड है, ये एक डीप रेमेडी है। तो पेशेंट एस्थमेटिक फेज में आता है, डिस्निया वाले फेज में आता है, बोलता है खांसते खांसते सांस फूलने लगी है और म्यूकस भी बनने लगा है, और मेनली जब ये सोती है पेट के बल जब सोता है तब इसको आराम मिलता है, कफ एम्लोरेशन वाला लाइंग ऑन एब्डोमेन, और इसको जब पेट के बल लेट जाता है खांसी जब तक नहीं आती हो, जैसे ही उठता है देन खांसी अगेन स्टार्ट हो। तो जब ये एक फेज में आता है कि 10-12 दिन हो गए, 15-16 दिन हो गए, क्योंकि ये फर्स्ट रेमेडी नहीं है, मेडोराइनम इज नॉट द फर्स्ट रेमेडी, तो इसलिए तब हमको फिर मेडोराइनम की तरफ फिर सोचना पड़ता है कि शायद मेडोराइनम हम इसको दे सकते हैं। मेजेरियम ये कभी कभी यूज होती है, उतना ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज मेडिसिन नहीं है, बट कभी कभी पेशेंट बात करते करते बताता है कि खाना खाते समय एकदम से खांसी स्टार्ट होती है और वॉमिट हो जाता है, कोई कफ रिफ्लेक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जब खाना खाने बैठता है तो खाने से कुछ भी, या तो उसको इरिटेशन होता होगा, कुछ भी होता है, उसको कफ स्टार्ट होता है, देन वॉमिट आउट और वॉमिट हो जाता है। तो ये मेजेरियम का एक मेन सिम्टम है, तो ये कभी कभी मिलता है, उतना फ्रिक्वेंटली ये मेडिसिन नहीं यूज होता। तो ड्राई कफ, कैरेक्टर ऑफ कफ में जैसे हम देख रहे थे कि ड्राई में तो एकोनाइट, बेल, ब्रायनिया, कैमोमिला तो यूजली अगर हम देखें ये चिल्ड्रन रेमेडी है, लेकिन कैमोमिला का कफ एग्रेवेशन नाइट स्लीप ड्यूरिंग एग्रेवेशन लाइंग ऑन, तो मेन इसका जो मॉडलिटी एग्रेवेशन लाइंग ऑन में कैमोमिला है स्लीप ड्यूरिंग में, और सल्फर है, और ये कोनियम मैक है। तो जैसे ही पेशेंट लेटता है कोनियम मैक, पल्सेटिला, कैमोमिला, सल्फर, ये सारी मेडिसिन आने लगती है। तो पल्सेटिला का तो उधर पर ड्राइनेस ऑफ माउथ है, थर्सलेसनेस के साथ में, एग्रेवेशन वार्म रूम में, एम्ब्लेम ओपन ईयर है। कैमोमिला चाइल्ड रेमेडी है, तो अगर बच्चों में ये केसेस मिल रहे हैं कि रात में सोते सोते एकदम लेटने जब जाता है तब बच्चा खांसी स्टार्ट हो जाती है, रोने चिल्लाने लगता है, डिजायर टू बी कैरीड गोदी में लेते हैं तब शांत हो जाता है, तो फिर हम कैमोमिला सोच सकते हैं, अदरवाइज चिल्ड्रन के बाद फिर कैमोमिला नहीं होता। लेकिन सल्फर जो मैंने बताया कि सल्फर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है जो एक्यूट कफ में कई बार यूज होती है। पेशेंट कंप्लेन करता है कि मैं दिन भर खांसी नहीं आएगी, जब मैं नींद में चला जाता हूँ नींद में एकदम से खांसी स्टार्ट होती है, और खांसते खांसते फिर मैं थोड़ी देर परेशान रहता हूँ, फिर उसके बाद मैं सो जाता हूँ, और ये फेजेस मेरे साथ 4-5 दिन से चल रहा है, कोई सिम्टम नहीं है, कोई पेन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट एग्रेवेशन स्लीप ड्यूरिंग, ये सल्फर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है। तो पेशेंट बताता है कि रात में, और कभी कभी फीवर के साथ में भी पेशेंट आ जाता है कि फीवर हो रहा है और खांसी हो रही है, और खांसी रात को सोते समय होती है। तो सल्फर का ये फीवर के साथ में खांसी एग्रेवेशन स्लीप ड्यूरिंग है, और अगर फीवर एक्यूट आता है तो सल्फर का एपेटाइट वॉन्टिंग, थर्स्ट इंक्रीज, भूख उसकी कम हो जाती है, प्यास बढ़ जाती है, तो थर्स्ट बढ़ी हुई है, भूख कम हो गई है, और खांसी रात को सोते समय आ रहा है, तो फिर हम सल्फर उसका एक मेन मेडिसिन में आ जाते हैं। इसी के आगे इग्नेसिया भी ये कभी कभी बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि मेडिसिन हम जब ढूंढ रहे होते हैं, सिलेक्ट कर रहे होते हैं, जब केस ले रहे होते हैं, तो इग्नेसिया कभी हम उतना जल्दी नहीं दिमाग में जाता है। तो मेडिसिन देने के बाद जब 2-3 बार पेशेंट लौट के आता है, तब फिर उसके बातों में दोबारा से नोटिस करना पड़ता है कि पेशेंट क्या बोल रहा है। इग्नेसिया का ग्रेट कॉन्ट्राडिक्टरी है, कोई भी जितने भी सिम्टम्स हैं इसके सारे कॉन्ट्राडिक्शन के साथ में। पेशेंट खांसता है, खांसने से इसकी खांसी बढ़ जाती है, यूजली खांसने से आराम मिलना चाहिए, बट इग्नेसिया बोलता है कि खांसा है, खांसी आई और खांसी से खांसी और बढ़ गई, फिर शुरू होता है, फिर वो बढ़ती चली जाती है, तो उसको आराम नहीं मिलता, कंटिन्यूअसली खांसती चले, और जब तक शांति से बैठा है तो शांति से बैठा है,
तो एग्नीशियम में यही एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, कफ एग्रावेट द कफ, और कोई सिम्टम नहीं। तो ये जब तीन चार सिम्टम मेडिसिन के बाद आता है तब फिर नोटिस किया जाता है कि पेशेंट एक्चुअली बता क्या रहा है, तब इग्नेशिया कई बार काम करता है। मैग्नम एसिटिकम ये बहुत यूज होती है मेडिसिन, और इसका ये मेन सिम्टम है कि कफ एग्रावेशन इन द डे टाइम आफ्टर राइजिंग फ्रॉम द बेड। पेशेंट बोलता है जैसे ही बिस्तर से मैं उठता हूँ खांसी स्टार्ट हो जाती है, और जैसे ही बिस्तर पर जाता हूँ लेट जाता हूँ खांसी आराम मिल जाती है, सो जाता। तो पेशेंट जब केस ले रहे होते हैं तो नॉर्मली केस टेकिंग के वही पार्ट है कि खांसी कैसी है, खांसी किस में बढ़ती है, एग्रेवेशन कैसे है, आराम कैसे मिलता है। तो नॉर्मली पेशेंट से पूछते हैं कि खांसी किस समय ज्यादा होती है, तो बोलता है कि खांसी तो सब रात में ज्यादा होती है। तो हम फिर रात वाली मेडिसिन पर सोचते हैं कि सल्फर हो गया, कोनियम हो गया, पल्सेटिला हो गया, एसएमएस हो गया, लेकेसिस हो गया, बट बोलता है कि खांसी दिन में ज्यादा आती है, रात में हम सो जाते हैं। तो हम उससे पूछते हैं कि रात में जब सो जाते हो तो बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं होता है? कहते हैं नहीं, सो जाते हैं तो नींद पूरी लेते हैं, जैसे ही स्टार्ट सुबह उठते हैं खांसी स्टार्ट हो जाती है और फिर दिन भर आती रहती है। और यूजली इसका भी म्यूकस के साथ में कफ होता है कि यूजली अंदर म्यूकस होता है वो भी निकलता है, हॉसनेस भी इसमें। लेकिन इसका मैग्नम का मेन मॉडेलिटी है कि एम्ब्रेसन लाइंग डाउन। अगर हम मैग्नम देखें तो इसकी जनरल मॉडेलिटी एम्ब्रेसन लाइंग डाउन, तो कफ में भी इसको लाइंग से रिलीफ मिलता है। तो कई बार पेशेंट्स इवन एक एक महीने की खांसी भी लेके आते हैं, तो यही सिम्टम जब कंसिडर किया जाता है। और ये मुझे पता होता है कि जो नॉर्मली एक्यूट में मैंने आपको बताया कि मेन मेडिसिन आदमी जो फिजिशियंस हैं जो मेन मेडिसिन देते हैं जैसे एकोनाइट, ब्रायनिया, बेल, जो इंडिकेटेड स्टार्टिंग में देते हैं, बट उसके बाद में जो फिर ये मैग्नम का फेज आता है तो तुरंत की तुरंत मैग्नम नहीं दिखाई देता है। फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का कफ ये भी बहुत है कि फॉस्फोरस में मेन जो इसका मॉडेलिटी एग्रावेशन टॉकिंग और लॉफिंग। खांसी इसकी जो है नॉर्मली बोलने से, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो इस समय पर खांसी इसकी एग्रेवेट करेगी, तो बार बार अब तक मैं इतनी बार खांस सूखा होता है, तो यूजली इसको टॉकिंग और लॉफिंग से एग्रेवेट करता है। और इसको खांसते खांसते ठंडे पानी से खांसी बढ़ती है, एग्रेवेशन कोल्ड ड्रिंक, वार्म से रिलीफ मिलता है यूजली। बट फॉस्फोरस में देयर इज अ डिजायर फॉर द कोल्ड वाटर इन एक्यूट कंप्लेन, एक्यूट केस में कोई भी फीवर है या कुछ भी कंप्लेन लेके आता है तो फॉस्फोरस की डिजायर फॉर कोल्ड वाटर बढ़ जाती है, थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर बढ़ जाती है, बट दैट कोल्ड वाटर एग्रेवेट द कफ, खांसी उसकी बढ़ जाती है, वार्म से उसको रिलीफ मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि पेशेंट बोलता है कि मुझे प्यास तो बहुत लग रही है, ठंडा पीने का मन कर रहा है, लेकिन खांसी मेरी बढ़ जा रही है ठंडे से, और जब जब मैं बोल रहा हूँ या बात कर रहा हूँ खांसी बढ़ रही है। एग्रावेशन टॉकिंग लॉफिंग में अदर मेडिसिन अर्जेंटम, स्केला, ये भी मेडिसिन है, स्केला तो मैंने बताया, अर्जेंटमेट, देर इज द ग्रेस एक्सपेक्टोरेशन, इजी एक्सपेक्टोरेशन, उसमें एक्सपेक्टोरेशन ज्यादा होता है और जल्दी जल्दी होता है, तो बहुत इजिली खांसेगा, म्यूकस बाहर आ जाएगा, फॉस्फोरस में उतना म्यूकस नहीं होता है। और अर्जेंटम मेट में भी हॉसनेस ऑफ द वॉइस के साथ में आता है। रूमेक्स, रूमेक्स को अगर हम कंपेयर करें थोड़ा पल्सेटिला का जो विंटर वेदर है कि बाहर का एटमोस्फियर कोल्ड है अंदर गर्म है, तो पल्स का जस्ट अपोजिट रूमेक्स दिखाई देता है। रूमेक्स का जो मेन मॉडेलिटी एग्रावेशन फ्रॉम द कोल्ड, जैसे ही कोल्ड एयर उसकी इनहेल किया उसने या बॉडी को एक्सपोजर हुआ तुरंत खांसी स्टार्ट होता है। तो पेशेंट कई बार बताता है कि खांसी इतनी ज्यादा आती है कि जब सोने जाता है तो पूरा बेडशीट से उसको कवर कर लेता है, और इस तरीके से कवर करता है कि जरा सी भी हवा अंदर नहीं आ पाए और फिर तब सो पाता है, नहीं तो खांसी आती रहती। और जैसे ही बिस्तर पे से उठता है और जैसे ही खिड़की खोला या बाहर ठंडी हवा में गए खांसी स्टार्ट हो गई। तो दिस इज द रूमेक्स, एग्रावेशन फ्रॉम द कोल्ड एयर एक्सपोजर एंड इनहेलेशन ऑफ द कोल्ड एयर एंड एम्ब्रेसन फ्रॉम द वार्म रूम और कवरिंग द होल बॉडी। तो कवरिंग से इसको आराम मिलता है, पूरा कवर कर लेगा कि हवा कहीं से भी नहीं एंटर कर पाए, और गले में इसको टिकलिंग सेंसेशन होता है। टिकलिंग सेंसेशन से याद आया कि कोनियम मैक है जो एग्रेवेशन लाइंग ऑन में अदर मेडिसिन था, तो कोनियम सल्फर में अगर हम कंपेयर करते हैं तो टिकलिंग ड्राइनेस सेंसेशन, कोनियम में ड्राइनेस फील करता है। इवन कोनियम जो है अभी इस समय का जो फेज है, इस समय भी कई बार कोनियम के पेशेंट्स मिले हैं, पेशेंट्स कंप्लेन करता है कि गले में सूखा सूखा लगता है और वहां से खांसी स्टार्ट हो जाती है, और जब लेटते हैं खांसी और बढ़ जाती है, किसी तरीके से आराम नहीं मिलता। तो ड्राइनेस काफी ज्यादा मार्क होती है, ड्राइनेस की वजह से उसको कफ स्टार्ट होता है एग्रेवेशन लाइंग, तो फिर वहां पर कोनियम सोचना पड़ता है। ड्राई लॉक लाइक ए सॉ ड्रिवन थ्रू अ वुड स्पॉन्जिया, एग्जॉस्टिंग नाइट कफ, सीपिया, साइलिसिया, कॉस्टिकम, ये अभी बताया मैंने पल्स में, एक्सप्लोजिव कफ, कैप्सिकम, कैप्सिकम का एक्सप्लोजिव कफ होगा, खांसी इसकी बहुत तेजी के साथ आएगी और इसको भी चोकिंग सेंसेशन होगा, बट इसको लगेगा कि मेरी सांस अंदर नहीं जा पा रही। तो लेकेसिस में भी चोकिंग सेंसेशन है, बट लेकेसिस की मॉडेलिटी है स्लीप ड्यूरिंग उसको चोकिंग सेंसेशन, कैप्सिकम ऑल टाइम उसको चोकिंग लगता है, खांसी जैसी स्टार्ट होगा गला एकदम चोक होगा
और उसको खांसते खांसते उसको सांस अंदर लेने में दिक्कत होगी। और इसको जो पेन होता है कैप्सिकम का कफ विद पेन इन डिस्टेंट पार्ट, तो कभी पेन उसको पेट में हो रहा है, कभी सर में दर्द हो रहा है, कभी हाथ पैरों में दर्द होता है, तो ये एक कंप्लेन। और मोस्टली जो पेशेंट बताता है कि पेट में दर्द हो रहा है, खांसते खांसते पेट में दर्द हो रहा है और सर में दर्द हो रहा है, तो वहां पे हमको देखना होता है कि ये कैप्सिकम तो नहीं है, क्योंकि कैप्सिकम का मेन चोकिंग सेंसेशन के साथ में होता है विद पेन इन डिस्टेंट पार्ट। फिर कैरेक्टर ऑफ स्पुटम के साथ में आ जाते हैं। तो कैरेक्टर ऑफ स्पुटम में अगर हम थोड़ा देखें तो वहां से मेडिसिन का एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन आता है, फिर उनको कन्फर्म करते हैं। तो वॉल इन शेप वॉल लाइक आता है, तो बेडिया का कॉकस कैक्टा स्टेनम मैट। तो बेडियागा का मेनली जो कफ होता है कफ विद द फ्लाइंग स्पुटम। फ्लाइंग स्पुटम मींस होता है कि पेशेंट खांसते खांसते स्पुटम बाहर ही निकल गया उसका। तो यूजली क्या है कि अर्जेंटम मैट में म्यूकस अंदर है उसको, फिर बाहर वो निकाल पाता है, मुंह तक आ गया फिर थूक देता है, लेकिन बेडियागा खांसते खांसते बाहर आ जाता है। तो बेडियागा है चेलिडोनिया में, इनके कफ विद फ्लाइंग स्पुटम के साथ होते हैं। तो पेशेंट जब ये बोले कि मुंह से बाहर ही निकल गया, तब हम फिर ये एक एक्सेप्शनल केसेस में कभी कभी बेडियागा यूज होता है, उतना ज्यादा नहीं यूज होता, फ्रिक्वेंसी उसकी ज्यादा नहीं है। कॉकस कैक्टाई ये मेडिसिन बहुत यूज होती है, खासतौर से बच्चों के केसेस में, कि जो बच्चे होते हैं कफ विद गैगिंग एंड वॉमिटिंग। जो रेटलिंग, अगर हम मेडिसिन का ग्रुप देखें कि रेटलिंग में कौन कौन सा मेडिसिन आता है, एंटीमटॉड, इपिकॉफ, नेट्रम सल्फ, कॉकस कैक्टाई, काली सल्फ, तो कार्बोवेज, इन मेडिसिन को फिर हम कंपेयर करते हैं जब बच्चों में कंप्लेन लेके आते हैं रेटलिंग चेस्ट, ये रेटलिंग है, म्यूकस ज्यादा है, अब कौन सा मेडिसिन है। तो कॉकस कैक्टाई में क्या होगा, बच्चा बार बार गैगिंग कब करेगा, खांसे खांसे वॉमिट के लिए कोशिश करेगा, ऐसे करता खांसेगा देन वॉमिट की, लेकिन वॉमिट नहीं होता उसको, तो और इसको पानी पिलाने से आराम मिलता है। तो कॉकस कैक्टाई का गैगिंग कब विद द रेटलिंग चेस्ट एंड एम्बुलेशन बाय ड्रिंकिंग वाटर। काली सल्फ मैंने बताया जैसे यहाँ पर आया रेटलिंग चेस्ट में, तो काली सल्फ एक ग्रेट रेटलिंग चेस्ट का मेन मेडिसिन है, और इसको डॉक्टर कैंट ने भी इवन कई बार बताया था कि जब रिकरेंसी ऑफ रेटलिंग की, कि एंटीमटॉड भी दे रहे हैं, पिकॉक भी दे रहे हैं, बट बार बार पर जल्दी जल्दी उसको हो रहा है, तो फिर हमको एक काली सल्फ का एक डोज दे देना चाहिए, क्योंकि रिकरेंसी ऑफ रेटलिंग चेस्ट में काली सल्फ एक मेन दवा है। लेकिन काली सल्फ का यूजली जो एक्सपेक्टोरेशन म्यूकस आता है वो येलोइश होता है, और इसको जो मॉडलिटी है एग्रेवेशन वॉर्म से या कवरिंग से इसको एग्रवेट करता है, खुली हवा में थोड़ा इसको अच्छा लगता है। ब्लैक किस है, एलैप्स, कालीबाई, यूजली एलैप्स के जितने भी डिस्चार्जेस हैं ब्लैक किस होते हैं, कोई भी डिस्चार्ज होगा उसका जो कंप्लेन है ब्लैक किस के साथ में होता है। इवन ओटोरिया है तो ब्लैक किस है, निजल कोराइजा है तो ब्लैक किस है, तो इसका जो म्यूकस होता है ब्लैक किस के साथ में होता है, ये मार्क सिम्टम है। तो कभी कभी एलैप्स का उतना ज्यादा यूज नहीं, बट कभी कभी अगर पेशेंट बोलता है कि हाँ ब्लैक किस म्यूकस आ रहा है और कुछ भी नहीं है, खांसी तो जनरल कॉमन सिम्टम बता रहा है, तो फिर हम एलैप्स को एक बार सोच सकते हैं। कालीबाई, कालीबाई का तो मेन जो इसका कैरेक्टर ऑफ कफ है टफ रोपी स्ट्रिंजी एक्सपेक्टोरिजम के साथ है, खांसी कभी भी इसकी ड्राई नहीं आएगी, प्रोडक्टिव कफ होगा, म्यूकस के साथ में आएगा और स्ट्रिंजी म्यूकस आएगा, इवन तार के साथ में आता है कि वो म्यूकस उसको हटाने में चिपचिपाता है। और ये इसका टाइम भी, इसका रात को 2 से 4 बजे का कई बार पेशेंट ये भी मार्क करता है, लेकिन टाइम जरूरी नहीं है कि हमेशा हो, टाइम और इसका कैरेक्टर है ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये एक्सपेक्टोरेशन इसका टफ ओपी स्ट्रिंजी होता है, और इसको चेस्ट पेन स्टर्नम वाले रीजन में ज्यादा बताता है कि चेस्ट पेन होता है स्टर्नम टू बिहाइंड बैक साइड में होता है, कि पीछे तरफ पेन ज्यादा है। तो इसके यूजली सिलेक्शन है कि रोपी स्ट्रिंजी येलोइश ग्रीनिश के साथ में इसको सिलेक्ट करते हैं कालीबाई को। ब्लडी, ब्लडी एक्सपेक्टोरेशन, कई बार पेशेंट आते हैं खांसते खांसते एकदम से ब्लड आ जा रहा है, तो ब्लडी एक्सपेक्टोरेशन में सबसे पहले एक्लाइपा इंडिका या फॉस्फोरस इन मेडिसिन की तरफ जाते हैं। एक्लाइपा इंडिका वैसे मैंने अब तक का जितने भी मेडिसिन देखे हैं कफ में, शायद ही किसी केस में जो है कफ में अगर ब्लड आया है और आराम नहीं मिला स्टार्टिंग में तो शायद ही ऐसा हुआ होगा। यूजली एक्लाइपा इंडिका उस समय पेशेंट्स को रिलीफ देता है कि अगर पेशेंट बोल रहा है खांसते खांसते ब्लड आ जा रहा है तो हम एक्लाइपा दे देते हैं उसको, तो उसको आराम मिलता है, क्योंकि एक्लाइपा का एक मेन सिम्टम है ब्लडी एक्सपेक्टोरेशन विद द कफ। और फॉस्फोरस का तो अभी मैंने आपको बताया कि यूजली कफ का जो मेन सिम्टम इसको होता है कि इसको कोल्ड से एग्रवेट करता है और वॉर्म से रिलीफ मिलता है टॉकिंग लॉफिंग के साथ। तो कभी कभी पेशेंट जब निमोनिया के हेपेटाइजेशन वाले फेज में जाता है तो फिर ब्लडी एक्सपेक्टोरेशन के साथ में आ सकता है। इजी एक्सपेक्टोरेशन अर्जेंटम मैट, स्टेनम मैट है इनका, बहुत इजी होता है, अर्जेंटम मैट में कम होता है, स्टेनम मैट का म्यूकस बहुत ज्यादा होता है। फिर ग्रेस है अर्जेंटम मैट, लाइको, सिनेगा, स्टेनम, ग्रीनिस, कार्बोवेज, काली आयोड, ग्रीनिस एक्सपेक्टोरेशन में कार्बोवेज, काली आयोड, आयोडम के जनरली अगर हम डिस्चार्जेस देखें तो ग्रीनिस डिस्चार्जेस होते हैं,
तो काली ग्रुप यूजली क्या होता है कि एक चेस्ट का एक मेन मेडिसिन है, काली कार्प, काली बाई, काली आयोड, काली सल्फ, काली म्यूर. काली म्यूर के डिस्चार्जेस यूजली वाइटेस्ट होते हैं. तो कई बार पेशेंट, इसका भी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि पेशेंट बोलता है कि खांसी के लिए, खांसी मुझको 15-20 दिन पहले खांसी आ रही थी, मैंने उसके लिए एलोपैथी मेडिसिन यूज किया, खांसी उससे कम हुआ, लेकिन हॉसनेस रह गई है गले में, म्यूकस गले में चिपका चिपका लगता है. और जब म्यूकस बाहर आता है, मैंने पूछा कैसा होता है, व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ द म्यूकस, तो वो व्हाइटेस्ट म्यूकस, सफेद सफेद सब बताता है, स्टिकी सा. तो मैंने सिर्फ काली म्यूर बायोकेमिक में ही उसको देता हूँ और उसको फिर 3-4 दिन के लिए खाने के लिए बोलता हूँ, उसके बाद उसको आराम मिल जाता है, क्योंकि और कोई पेन नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है. तो हमारा जो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन है उसी के बेसिस पर ही हम करते हैं कि जब सिम्टम जितने मार्क्ड हैं उसी हिसाब से मेडिसिन, कम सिम्टम तो उसी हिसाब से मेडिसिन भी हम, कि भाई ज्यादा सिम्टम नहीं कवर कर रहा तो मेन मेडिसिन उसका हमने दे दिया. तो काली म्यूर के मेन डिस्चार्जेस ग्रेस्ट वाइटिस एक्सपेक्टोरेशन होते हैं और इसमें इसको पेन उतना ज्यादा नहीं होता. तो पेशेंट हॉसनेस के साथ लेके आ रहा है, वाइटिस एक्सपेक्टोरेशन है, तो काली म्यूर हो सकता है. नेट्रम सल्फ जो अभी मैंने रेटलिंग चेस्ट में बताया था कि पिकॉक एंटीमटार्ट के साथ में, तो नेट्रम सल्फ भी एक मेन मेडिसिन है. इसको भी आजकल वेदर में यूज किया, क्योंकि नेट्रम सल्फ का एक मेन मॉडलिटी है एग्रेवेशन इन द डैम्प वेट वेदर और मॉइस्ट वेदर. जब मॉइस्चर ज्यादा होने लगता है तो उसका ये नेट्रम सल्फ का मॉडलिटी की प्रॉब्लम उसकी एग्रेवेट करती है. तो नेट्रम सल्फ का चेस्ट मेन है, इसमें रेटलिंग चेस्ट होता है, ग्रीनेस एक्सपेक्टोरेशन, और मेन इसका टाइम है 4 AM मॉर्निंग, 4 बजे के आसपास इसको खांसी स्टार्ट हो जाती है और पेन होता है चेस्ट में, होल्ड द चेस्ट वाइल कफिंग. तो ब्रायनिया वाला चेस्ट पेन अगर हमने देखा सेनेगा में भी था, होल्ड द चेस्ट वाइल कफिंग, बट देयर इज अ रैटलिंग चेस्ट, डिफिकल्ट टू एक्सपेक्टेड, तो ओल्ड एज के पीपल में स्पेसिफिकली था, बट नेट्रम सल्फ में टाइम मार्क थी सुबह सुबह 4 बजे इसको कंप्लेन स्टार्ट हो जाता है. तो ये जो है नेट्रम सल्फ का, और मेन वेदर है इसका कि मॉइस्चर के समय या डैम वेदर में, तो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं कई बार, उनकी ये कंप्लेन एग्रेवेट करती है इस वेदर में, तो फिर हम नेट्रम सल्फ को कंसिडर करते हैं. व्हाइटिस एक्सपेक्टोरेशन ने एनिज्म, एंटीमटार्ट, कालीम्यूर, नेट्रम्यूर, फॉस्फोरस, सिनेगा, तो अभी एंटीमटार्ट, कालीम्यूर तो बताया. एनिज्म एक मेडिसिन है, ये इसके कालीबाई लाइक एक्सपेक्टोरेशन होते हैं, टफ होपी स्ट्रिंजी होते हैं, बट उतने ज्यादा ग्रेनिस और येलोइस के साथ में नहीं होते हैं, स्टार्टिंग में व्हाइटिस ही होता है. तो ये जब कालीबाई जैसे अगर इसके एक्सपेक्टोरेशन हो, होपी स्ट्रिंजी हो बट व्हाइटिस हो, और यूजली ये भी ओल्ड एज के पेशेंट्स में अगर ब्रोंकाइटिस के साथ मिल रहा हो तो फिर हम इसको एनिज्म को ट्राई करते हैं, समय पर देते हैं तो उससे कई बार आराम मिल जाता है. इससे ओल्ड एज के पेशेंट से याद आया कि अमोनियकम भी एक मेडिसिन है जो ओल्ड पीपल्स में ब्रोंकाइटिस के केसेस में आते हैं, डिफिकल्ट टू एक्सपेक्टोरेट. जैसे ही डिफिकल्ट टू एक्सपेक्टोरेट आता है तो हम एंटीमटार्ट की तरफ तुरंत जाते हैं, लेकिन एंटीमटार्ट से भी पेशेंट्स को आराम नहीं मिलता है, एंटीमार्स फॉर डिस्निया उसमें भी आराम नहीं मिल रहा है. तो अमोनियकम स्पेशली फॉर द ओल्ड पीपल और स्पेशली इन द विंटर वेदर, खांसी उनकी बढ़ती है और म्यूकस वो निकाल नहीं पाते हैं, तो फिर अमोनियकम स्पेसिफिक फॉर दिस एज और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या एक्यूट ब्रोंकाइटिस के केसेस में डिफिकल्ट एक्सपेक्टेशन के साथ होता है, तो हम अमोनियकम मेडिसिन उसके लिए सिलेक्ट करते हैं. येलोइस एक्सपेक्टेशन में कॉकस, कालीबाई, काली सल्फ, तो हम इनको तुरंत रूल आउट कर देते हैं. कॉकस में एम्ब्रोसियन कोल्ड ड्रिंक से है, कालीबाई में टफ होपी स्ट्रिंजी है, काली सल्फ में येलोइस एक्सपेक्टेशन है, फॉस्फोरस में ठंडा पीने का मन करता है बट ठंडे से एग्रेवेट करता है, पल्स में इनवॉल्ट्री यूरिनेशन के साथ में एग्रेवेशन, बॉम्बू में, स्टेनम मेट में profuseness of expectoration. हर medicine का एक peculiar symptom है जो उस medicine को confirm कराता है. तो हमको ये हमेशा उस medicine के key point को रखना चाहिए, बाकी medicines compare करते हैं तुरंत patient बताता चला जाता है. Paroxysmal cough, कई बार paroxysmal cough बताते हैं patient की खांसी एक के बाद एक लगातार आ रही है, तो उसमें Cocos cacti, Drosera, Cuprimet, तो इनको तुरंत differentiate कर लेते हैं कि किस तरीके का cough है. रेटलिंग में जैसे अभी बताया मैंने एंटीमटार्ट, अर्जेंटम, हिपोजेनियम. हिपोजेनियम भी एक अच्छी मेडिसिन है, ये भी फर्स्ट रेमेडी नहीं होता है बट हाँ अप्रैल से लेके ये खासतौर से अक्टूबर, जो विंटर वेदर जब स्टार्ट होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो यहाँ से इसका टाइम स्टार्ट होता है. तो यूजली अक्टूबर के बाद अप्रैल तक का जो समय आता है तो पेशेंट जनरली एस्थमेटिक हो जाता है, खांसते खांसते वो डिस्निया वाले फेज में आ जाता है और कोई पेशेंट सिम्टम नहीं बता रहा होता है, कोई मेन मेडिसिन नहीं सिलेक्ट हो पा रहे होते हैं. तो मेन उसका कंप्लेन होता है कि खांसी बहुत ज्यादा आती है, इवन रात में खांसी ज्यादा आती है और सांस बहुत फूलने लगती है. तो हमें कोई और मेडिसिन नहीं दिखाई दे रहा और टाइम स्पेसिफिक है कि हाँ विंटर वेदर के समय जब आ रहा है, तो हिपोजीनियम खासतौर से उस समय पर अच्छा रोल इसका रहता है और अच्छा काम करता है. इन ओल्ड पीपल एमोनिकम, एंटीमटार्ट, सिनेगा, शॉर्ट हैकिंग कफ और मिनट गन कफ, कोरेलियम रुब्रम, ये भी कभी कभी यूज होती है.
शॉर्ट हैकिंग कप होता है इसका, मिनट गन कप, जो पेशेंट कई बार बोलता है कि मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन खांसी आती है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है लेकिन जैसी काम कर रहे हैं तो खांसी एक कंटिन्यूटी में आती है फिर ब्रेक लग जाता है उसका, फिर कुछ समय बाद फिर आती है, जबकि कोई पेन नहीं है कुछ नहीं है, तो फिर कोरेलियम रुब्रम एक इसका स्पेसिफिक मेडिसिन है। ये मिनट गन कप होता है कि लगातार तड़ 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 खांसी आई फिर बैठ गया फिर स्टार्ट हुआ। कोरेलियम रुब्रम कोराइजा का भी एक मेडिसिन है, कोराइजा में इसको कोल्डनेस सेंसेशन इनहेलेशन में होता है, जब इनहेल करता है कोई भी एयर को तो नाक में उसको कोल्ड सेंसेशन के साथ, तो कभी कभी कोरेलियम रुब्रम का पेशेंट अकम्पनीड विद द कोराइजा कफ लेके आता है कि उसको कोराइजा भी है, कोराइजा जब भी सांस अंदर जा रही है तो अंदर ठंडा ठंडा लगता है और खांसी आ रही है, खांसी उसको इस तरीके की सूखी खांसी और थोड़ी थोड़ी खांसी आती है, तो इट कुड बी कोरेलियम रुब्रम। वेदर स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं तो हम उसी हिसाब से अपना मेडिसिन को प्रिपेयर रखते हैं कि जो मेडिसिन पेशेंट सामने आएगा तो हम उसको उन्हीं 8-10 पॉइंट से कंफर्म कर लेंगे कि कौन सी मेडिसिन किस तरफ को जा रही है। तो ड्राई कोल्ड वेदर है, कॉस्टिकम, हिपोसर्फ, नक्स, फॉस्फोरस, स्प्रिंग में ब्रायनिया जेल्स, लैकेसिस, वेरेट्रम। वेरेट्रम यूजली एस्मेटिक अटैक, जब जो एस्मेटिक पेशेंट्स होते हैं तो उनका एस्मेटिक अटैक बढ़ जाता है और इनको भी गर्म पीने से आराम मिलता है, तो थोड़ा देखना होता है कि जो वेरेट्रम के अकॉम्पनिंग सिम्टम है कोल्डनेस ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, कोल्ड स्वेट ऑन द फोरहेड, अगर उसके साथ में पेशेंट दिखाई दे रहा है तो इट कुड बी फिर वेरेट्रम हो सकता है। वेट वेदर डलका मारा फर्स्ट रेमेडी है जब वेदर चेंज होता है। आसल फ्लेवम, यहाँ पे विंटर वेदर में आसल फ्लेवम ये मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, इसका जनरली बहुत यूज होता है और आसल फ्लेवम एक ऐसा एक्यूट रेमेडी है कि ये बहुत पेशेंट्स में कई बार एक्यूट में यूज होता है। इसमें क्या है कि कफ, कोराइजा और फीवर, ये तीन चीजें पेशेंट्स कई बार लेके आता है कि डॉक्टर साहब मुझको बुखार हो रहा है, बुखार के साथ खांसी भी है, खांसी के साथ जुकाम भी है और अनइजीनेस फील हो रहा है, एंग्जाइटी, अनइजीनेस मीन्स एंग्जाइटी, तो हम उसको और क्लैरिफाई करते हैं क्या नींद आती है कि ठीक से नहीं आ पाती है, बेचैनी उलझन बहुत रहती है, तो आसनिक वाले सिम्टम एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, कफ, एग्रेवेशन स्लीप ड्यूरिंग, सल्फर वाला सिम्टम कि खांसी उसको रात को यूजली सोते सोते स्टार्ट होता है, और फीवर, हीट सेंसेशन तो सल्फर में भी है, भूख नहीं लग रही है, प्यास लग रही है, आसनिक की भी प्यास है और सल्फर की भी प्यास है। तो जब पेशेंट ये कॉम्बिनेशन तीनों एकदम मिक्स करके बता रहा है कि जुकाम है, खांसी है और बुखार हो रहा है, तो फिर कभी देखना होता है कि आसल फ्लेवम, और यूजली आसल फ्लेवम ये जो है ये सर्दी का मौसम जब स्टार्ट होता है वहां से इसका स्टार्ट होता है और फिर गर्मी आते आते तक कई बार ये मेडिसिन यूज होती है। वार्म रूम में आरसायुट, काली सल्फ, पल्सेटिला, एकम्पनीड बाय, अब एकम्पनीड सिम्टम्स हैं कई बार ब्लूनेस ऑफ द फेस के साथ में, तो हम मेडिसिन को तुरंत डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्यूप्रामेट, ड्रोसेरा है जैसे, तो क्यूप्रामेट का ड्राई कफ होता है, ड्रोसेरा का वूपिंग कफ है, रेटलिंग म्यूकस के साथ में बहुत होगा, एपिकॉक में भी नॉजिया वॉमिटिंग के साथ में होता है, चिलीनेस एकम्पनीड, तो आर्सेनिक, नक्स, पल्सेटिला, पल्सेटिला में एक्यूट में फीवर में चिलीनेस बहुत ज्यादा मार्क होती है, ड्राई माउथ, थर्सलेस, डलनेस, डलनेस में जैसे जैल्सीमियम है, जैसे जैल्सीमियम का अभी वेदर है इस समय पे, तो जैल्सीमियम भी कफ का इस समय हो सकता है कि कफ कोराइज के साथ पेशेंट आता है तो पेशेंट बोलता है कि बॉडी में डलनेस बहुत ज्यादा है, लिथार्जीनेस ज्यादा है, स्लीपीनेस वाले मोड में है और प्यास बिल्कुल नहीं लग रही है, तो ब्रायनिया और जेल्स को हम यहाँ तुरंत रूल आउट करते हैं कि अभी तुरंत एक्यूट कफ हुआ है, एक दो दिन का है, तो बॉडी में जो चेंजेस आए हैं वो किस तरीके के आए हैं, तो ब्रायनिया और जेल्स को तुरंत रूल आउट करके फिर हम आगे की तरफ जाते हैं। एम्प्टीनेस इन चेस्ट स्टेनम का मेन सिम्टम होता है, तो उसमें म्यूकस बहुत ज्यादा है, इरेक्टेशंस, कार्बोवेज, सेंग्यूनेरिया, इरेक्टेशन, ये पेशेंट्स कई बार आते हैं बोलते हैं कि डॉक्टर साहब गैस बहुत बन रही है और गैस डकार जब आती है तब खांसी आ जाती है, तो फ्लैचुलेंस और कफ का जो कॉम्बिनेशन है वो सेंग्यूनेरिया और कार्बोवेज में सबसे ज्यादा है, सेंग्यूनेरिया का जो कफ है एम्बुलेशन बाय पासिंग प्लेटस और इरेक्टेशन, जैसी गैस पास होता है खांसी में थोड़ा आराम मिलता है, और उसको जो इसका एक्सपेक्टोरेशन है वो ऑफेंसिवनेस के साथ है और चेस्ट पेन होता है उसको, यूजली स्टर्नम वाला पार्ट होता है वो काफी सेंसिटिव होता है, पेनफुल होता है, और इसका जो म्यूकस है काफी ऑफेंसिवनेस के साथ आता है, तो पेशेंट जब बोलता है कि गैस ज्यादा बन रही है और गैस के साथ खांसी बढ़ जाती है तो देखना होता है कि कार्बोवेज है या सेंग्यूनेरिया, इनको पहले रूल आउट किया जाता है, फिर हम दूसरी मेडिसिन की तरफ जा पाते हैं कि अच्छा ये नहीं है तो फिर कोई और हो सकता है, तो हमारा कंप्लीट केस से फिर हम उनको कन्फर्म करते हैं। पेन डिस्टेंट पार्ट्स, ये भी एक अकम्पनिंग सिम्टम है, कैप्सिकम का कन्फर्मेटरी सिम्टम है, पेशेंट कई बार इवन खांसते खांसते हिप पेन बताता है कि हिप में पेन हो रहा है या पैरों में पेन हो रहा है, यूरिनेशन इनवॉलंटरी, कॉस्टिकम, नेट्रम्यूर, पल्स, तो इनवॉलंटरी यूरिनेशन और लैक्राइमेशन, इनवॉलंटरी लैक्राइमेशन जैसे नेट्रम्यूर, स्टिला, नेट्रम्यूर का लैक्राइमेशन एक मेन सिम्टम है फॉर द एक्यूट कंप्लेन,
किसी भी एक्यूट कंप्लेंट में अगर लैक्रिमेशन लेके आ रहा है, एक्यूट फीवर है, कफ है, कोराइजा है और लैक्रिमेशन बहुत ज्यादा है, तो फिर नेट्रामयूर को हम उस समय पे सोचना चाहिए, वो एक मेन मेडिसिन होता है उसका। और स्क्यूला तो स्पेसिफिक है फॉर द कफ इन द ब्रोंकाइटिस ऑफ द ओल्ड पीपल, लैक्रिमेशन और टॉकिंग और लॉफिंग से एग्रेवेट करता है। तो ये सारा था कि कफ के बारे में। तो यूजली एक्यूट में कफ को सिलेक्ट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अगर हम ये 8-10 पॉइंट दिमाग में रखें तो तुरंत मेडिसिन रूल आउट होती है। और अब मेन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पोटेंसी का जो पार्ट है कि कफ में पोटेंसी का क्या यूज होता है, तो जो इंडिकेटेड रेमेडी है अगर, तो यूजली 30 या 200 जो मेडिसिन है तो उसमें हम देते हैं और पेशेंट्स को आराम मिलने लगता है, और आराम यूजली 24 आवर्स के अंदर मिलना चाहिए अगर जो इंडिकेटेड रेमेडी है। अगर नहीं मिल रहा है तो हमको फिर रीकेस टेकिंग लेके जो मेडिसिन है दोबारा से ढूंढना चाहिए कि कौन सा हो सकता है, फिर उसकी तरफ जाना चाहिए। तो इस तरीके से पोटेंसी में 30 और 200, इवन अगर खांसी बहुत ज्यादा है, सीवियरिटी ज्यादा है, तो 30 का पानी का जो है उसका सॉल्यूशन बना दिया कि पानी में उसको डिजोल्व करा दिया, और फ्रिक्वेंटली उसको रिपीट करा दिया कि एक एक घंटे में, दो दो घंटे में जल्दी जल्दी रिपीट किया। अगर सीवियरिटी उतनी ज्यादा नहीं है तो फिर हम उसको एक गैप ऑफ टाइम में उसको रिपीट कर सकते हैं, 4 आवरली और 3 आवरली। तो इस तरीके से पेशेंट को आराम मिलता है। और अगर यही बोला मैंने कि अगर एक्यूट कफ में तुरंत फिर उसको महीने या 1.5 महीने हो गया है, आराम नहीं मिल रहा है, देन वो एलर्जिक कफ की तरफ जा रहा है या फिर डीप साइड जा रहा है, तो फिर हमको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच करना होगा। तो उसका सारा जो जर्नल्स है, जर्नल्स लेके फिर कोई उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी निकाल के फिर उस पर देना चाहिए। तो फाइनली ओवरऑल कफ पर यही था। थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी डिस्क्रिप्शन शायद ही कभी कभी सुनने को मिलती है अच्छे टीचर्स के साथ। मैं आप लोगों को बता दूं हमारा एक छोटा सा किस्सा, हम लोग दोनों एक ही कॉलेज से हैं और डॉक्टर आशीष मेरे से 2 साल जूनियर हैं, लेकिन जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो डॉक्टर आशीष मेरे पास आते थे और कहते थे, बॉस ये बताओ कि हरे रंग का स्पोटम होगा तो कौन सी मर्चेंट होगी। तो मैं इसके कंधे पर हाथ रखता था, मैंने कहा तू ये बता कि हरे रंग के कफ के साथ कौन सा बैक्टीरिया होगा। तो यही कॉम्बिनेशन, बॉस एक बार इंटरप्ट करूंगा कि यही मैंने इसलिए हमेशा स्टार्टिंग में आपको बताया कि डिजीज का डायग्नोसिस, जो बॉस ने बोला कि हरे रंग का स्पुटम किस डिजीज कंडीशन में होगा, तो डिजीज भी क्लियर होना चाहिए और फिर हमारा जो अप्रोच है वो फिर वहां पे, तो बराबर अगर हम चल रहे होते तो हमें कहीं डाइवर्ट भी नहीं। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि पेशेंट हमारा केस टेकिंग में बराबर हेल्प करता है, क्योंकि हम टू द पॉइंट जा रहे हैं, खांसी के अलावा हम कुछ और नहीं पूछ रहे हैं। खांसी में सिर्फ पूछ रहे हैं कैसी खांसी है, खांसते खांसते कहाँ दर्द हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है या फिर पेट में दर्द हो रहा है, ये नहीं पूछ रहे हैं कि उसको जो है गर्मी ज्यादा लग रही है, ठंड ज्यादा लग रही है या फिर खाने में क्या पसंद है। ये उसके पॉइंट सारे फिर अलग हो जाते हैं, तो अगर हम उसी के आसपास लेके जाते हैं तो फिर हम आगे चल पाते हैं। जी तो मैं बता रहा था कि जब हम लोग ऐसी बात करते थे कि डॉक्टर आशीष मुझसे कहते थे कि बॉस ये बताओ कि हरे रंग के स्पुटम में कौन सी मर्चेंट होगी, तो मैं उससे बैक्टीरिया के बारे में पूछा था और डॉक्टर आशीष कहते थे कि बॉस इतने सारे बैक्टीरिया कैसे याद रखेंगे, तो मैं भी उसको ये कहता था इतनी सारी मर्चेंट कैसे याद रखेंगे। और हम दोनों डॉक्टर आशीष पीएम की बुक खोल के बैठ जाते थे और मैं मेट्रिया मेडिका ढूंढने में लग जाता था कि हरे रंग की मेडिसिन कौन सी है और वो बैक्टीरिया ढूंढता था। मैं इन सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आज मैं जो भी कुछ हूँ अपने टीचर्स से ज्यादा, हालांकि मैं उनको भी गलत नहीं कहता, लेकिन अपने टीचर से ज्यादा मैं आज अपने स्टूडेंट्स की वजह से हूँ, जिन्होंने मुझे पढ़ने पे कह लो कि मजबूर किया हो या मुझे रास्ता दिखाया हो कि हाँ ऐसे पढ़ना है और आपको पढ़ना है बस, और आपको सबको पढ़ाते रहना है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर आशीष। और अगर आप लोग डॉक्टर आशीष से कोई और भी सवाल पूछना चाहते हैं तो उनका फ़ोन नंबर और उनकी ईमेल आईडी स्क्रीन पर है। अभी से हम चैट देख रहे हैं कि आपके लिए फिर से इन्विटेशन आ गए हैं कि आप दोबारा से आइए और हम आपको दोबारा बुलाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि मैंने जो जिक्र किया था, खांसी जुकाम बुखार और दस्त, जिसमें से खांसी आज पूरा हो गया, बाकी 3 भी आप पूरा बढ़िया से सिखाओगे हमें, तो मैं आशा करता हूँ कि आपसे ये सब चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी। और मैं आप सब लोगों को जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूँ कि मैं बीच बीच में चैट में देख रहा था कि बहुत सारे लोग उत्सुक थे कि पोटेंसी के बारे में जानने के लिए या ये जानने के लिए कि मेडिसिन कैसे काम करेगी या हमें मेडिसिन के साथ मेंटल सिम्टम्स बताना होना चाहिए। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि होम्योपैथी का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको सब कुछ बहुत पेशेंसली सब कुछ मिलेगा। डॉक्टर आशीष ने पोटेंसीज के बारे में बताया, डॉक्टर आशीष ने बहुत सारी मेडिसिन के मेंटल सिम्टम्स के बारे में बता दिया। और जब भी हम मेंटल सिम्टम्स की बात करते हैं तो मैं आपको फिर आगाह बताना चाहता हूँ कि ऑर्गनन में मेंटल स्टेट का जिक्र है मेंटल सिम्टम्स का, दैट इज द थिंग।
तो मेंटल स्टेट और मेंटल सिम्टम्स दोनों अलग अलग चीज होती हैं। इसके लिए आप पढ़िए, पेशेंस रखिए, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि हम आप आपके पास खांसी का मरीज आया और बिना आपने उसके करेक्टर को जाने आपने मेडिसिन दे दी, ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं है। जब तक हम उसका करेक्टर, जब तक उसके एग्रेवेशन, जब तक उसके एम्यूरेशन हम नहीं जानेंगे, तब तक हम ऐसा मेडिसिन या सिंगल मेडिसिन नहीं दे पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं कि डॉक्टर आशीष अपने सामने कोई स्क्रीन खोले हुए हैं और वो मेडिसिन को पढ़ पढ़ करके आपको बता रहे हैं, ये सब कुछ इनके ब्रेन में है, हर समय रहता है। अगर इनके पास पावर पॉइंट ना हो तब भी ये वो सब कुछ बता सकते हैं जो मैं शायद बहुत इंटरप्ट आप। करूंगा। जी एक्चुअली ये जो इसे बोला कि जो है एक्चुअली मैं देख के बता रहा हूँ, और ब्रेन में ये पार्ट जो होता है कि वो हमारे ब्रेन में कैसे आता है, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट जी होता जी है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि कभी भी हम जैसे पढ़ रहे हैं, मेडिसिन पढ़ रहे हैं, लेकिन सिम्टम याद हो रहा है लेकिन बार बार भूल जा रहे हैं क्योंकि पेशेंट नहीं देखा है, तो ये ब्रेन में कैसे पहुंचेगा पेशेंट का, जब हम पेशेंट को देख लेते हैं और मेडिसिन को बार बार फिर रिवाइज करते रहते हैं कि हाँ शायद आज मिलेगा नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा पेशेंट। जब हम पेशेंट को वो मेडिसिन दे देते हैं और पेशेंट आराम बताता है कि हाँ आराम मिल गया, वो तुरंत हमारे ब्रेन में चला जाता है और फिर वो कभी भी नहीं भूलता है। डे बाई डे फिर ऐसे नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ते चले जाते हैं और फिर हमारा मेडिसिन का जो कॉन्फिडेंस है फिर वो स्ट्रांग होता चला जाता है। तो इसलिए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहना, और जब पेशेंट्स देखने का मौका मिले तो बस पेशेंट्स पे उसको देना है उन्हीं बेसिस पे, तो वो हमेशा याद रहती है। आवाज नहीं आ रही बहुत। सॉरी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर संगीता आनंद से, जो दिल्ली स्टेट आईएचपी की जनरल सेक्रेटरी हैं, अगर वो हमें सुन रही है तो प्लीज अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। और दिल्ली स्टेट आईएचपी के प्रेसिडेंट डॉक्टर गीता मोंगे मैम भी हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर गीता मोंगे मैम, आपको कैसा लगा हमारा डॉक्टर आशीष सर का आज का लेक्चर? अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ डॉक्टर संगीता, प्लीज वेलकम। थैंक यू डॉक्टर दीपक। जी बहुत अच्छा था, बहुत इंफॉर्मेटिव, और हमारे स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। उनके भी क्लिक करा करेगी दिमाग में ये मेडिसिन, जब उनके पास कोई सिम्प्टम आएंगे, पेशेंट आएंगे, डॉक्टर आशीष की बातें उनको ध्यान आएंगी, उन्होंने क्या पढ़ाया है। और डॉक्टर आशीष थैंक यू, आपने थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत ही अच्छा नॉलेजेबल है आपका, तो बहुत ही जो बच्चों को बहुत काम आएगा आगे चल के। थैंक यू मैम। डॉक्टर गीता हाँ जी, नमस्कार मैम, कैसे हाँ हो? थैंक यू डॉक्टर दीपक। मैं आज पहली बार अटेंड कर पाई हूँ। एक्चुअली कभी टाइम नहीं याद रहता था, तो कभी मतलब समझ नहीं, मतलब वो इतनी ऑन होता था, भूल जाते थे। और मैंने जैसे कमेंट में लिखा है कि बहुत अच्छी लर्निंग है, रिवीजन हम लोगों के लिए तो रिवीजन हो गया सारा का सारा, और स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत लर्निंग वाला है। काफी अच्छा लगा डॉक्टर आशीष, काफी अच्छा लगा, और आप लोगों का भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू डॉक्टर आशीष, आपके लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट हैं, तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि लॉकडाउन से पहले, खत्म होने से पहले पहले ही हम ये सारे टॉपिक जो मैंने बताए हैं, खांसी जुकाम बुखार दस्त, इसमें से खांसी आज कवर कर लिया है, बाकी तीन को भी बहुत अच्छे से कवर करेंगे, और हम लोग ऐसी चर्चाएं करते रहेंगे और ऐसी वेबिनार्स आपके लिए लाते रहेंगे। मैं पूरी दिल्ली होम्योपैथी मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के बारे में कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो हमारे नंबर 9711153617 पर व्हाट्सअप करिए, या हमें ईमेल करिए dhmadelhi@gmail.com पर। जो भी लोग मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो वो प्लीज़ हमारी वेबसाइट www.dhma.in पर जाएं। और एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपको हमारे वेबिनार्स के बारे में जो भी फीडबैक है, हमें एक छोटी सी वीडियो टेस्टिमोनियल के रूप में देंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। अब मैं गुजारिश करना चाहता हूँ अपने पैटर्न सर डॉक्टर वीपी सिंह सर से कि वो आपका धन्यवाद करें। डॉक्टर आशीष, आज के वेबिनार में आपका बहुत बहुत स्वागत, और बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके कि आपने कफ के बारे में बताया। कफ एक्चुअली हमको लगता बड़ा कॉमन जैसा है, लेकिन आज जो हर आदमी कफ से ही डरा हुआ है, एक स्पाज्म से ही डरा हुआ है, तो आपने तो पूरी कंपेरेटिव मैथमेटिका इसमें बता दी, और वाकई बहुत अच्छा लगा। और ऐसा लग रहा है कि जो हमने 30-32 साल पहले पढ़ा था, जब बड़ा अजीब लगता था, और वो अब रिवाइज हो गया। अब एक्चुअली
दिस इज वेरी वेरी बेनिफिशियल टू प्रैक्टिशनर एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो. बहुत ही अच्छा लेक्चर आपका है और लोगों की डिमांड है डॉक्टर साहब कि आप फीवर पे एक बहुत अच्छा से बनाएं, क्योंकि ये चीज़ बड़ी कॉमन लगती है लेकिन है बड़ी सीवियर. यही परेशान करने वाली बात है. अगर किसी को क्रोनिक प्रॉब्लम चल रही है उसको आदमी लंबा ले जाएगा, लेकिन डायरिया, वोमिटिंग, कफ, फीवर, ये चीज़ें ऐसी हैं जो परेशान कर देती है. तो इट इज़ एन अम्बल रिक्वेस्ट टू डॉक्टर आशीष, प्लीज़ कम ऑन फीवर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू डॉक्टर श्वेता. वाइस प्रेसिडेंट प्लीज आप कुछ कहना चाहेंगे. सर बिल्कुल. डॉक्टर आशीष कॉन्ग्रेचुलेशन. आपका जो लेक्चर है वो तो हमेशा ही मतलब लाजवाब होता है और यू आर मास्टर ऑफ कीनोट्स. सो हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को, बहुत नई मेडिसिन भी उनके कीनोट्स की सीखने को मिले. तो इट इज रियली वेरी इंफॉर्मेटिव और आप जरूर नेक्स्ट लेक्चर भी अपना प्रिपेयर करिए, हम जरूर सुनना चाहेंगे. हम वेट कर. थैंक यू. थैंक यू. सो थैंक यू डॉक्टर आशीष. थैंक यू सो मच. मैं अब मीटिंग एंड करता हूँ और इस लेक्चर को हम लोग यूट्यूब पर भी डालेंगे. आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी अपना फीडबैक देना चाहें हमें वीडियो के रूप में एक मिनट की, डेढ़ मिनट की वीडियो बना करके भेजें, ताकि हम और उत्साहित हों आपकी उन वीडियोस को देख करके और लगे कि हाँ हम लोग जो काम कर रहे हैं वो अच्छा है. अगर गलत भी है तो भी हमें बताइए, हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे. तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का. मैं डॉक्टर दीपक शर्मा आप सब लोगों का फिर से धन्यवाद करता हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू.